YouTube. Okay, we do quick setting on YouTube. Just give me 1 minute. I'll do quick setting on YouTube, everyone. Just wait for a minute. I'll enable the comments and then we'll start. Okay. ताकि आप लोग YouTube पे कमेंट कर पाओ. I'll add the thumbnail also. Great. Yeah, live session allow all comments. Okay. And one minute only. I'll add the description also. So other people will get to know. क्या है इस वीडियो में. ये हार्डली 30 मोर सेकेंड्स. डू ऐड द हैशटैग. ओके डन. सो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. यू गेट टू नो हाउ टू अर्न मनी. क्या क्या टॉपिक्स है सब कुछ कवर करेंगे. डोंट वरी. ओके क्लोज दिस विंडोज नाउ. ओके नाउ यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. फाइन. Happy? Sure. Let's start the session, everyone. So welcome all of you in Art Masterclass. I'll try to finish this in 90 minutes. So be patient. And so as a time nikal ke aaiye, welcome to Harsh Art Creation. We are since 1998. My class hum logon ne start kiya tha. Myself, Harish Dahiyande. मेरा नाम है और मैंने 25 ईयर्स से मैं आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ड्राइंग क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहा हूँ. बहुत सारे नेशनल प्राइज विनर्स हैं एंड देर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स. जैसे 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन अभी तक किए हैं. देन वी हैव कंडक्टेड मोर देन 5000 पेंटिंग्स अभी तक सेल कर चुका हूँ. एंड मेंटोरशिप 1998 में मैंने खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट किए थे. ओके सो just give me 1 minute. I'll see either I can comment on live session. Your community guideline. Okay. Comment कर पा रहे हैं यहाँ पर. Okay. Just give me 1 more second. I think YouTube पे comments enable नहीं हुए हैं. So I'll go to the setting. Give me 1 minute only. Sorry for delay the session. But give me 1 more second. So you can comment till that time. Be ready with your diary and pen, everyone. आज क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखने वाले हो. Okay, so diary pen लेकर बैठिए आप लोग. Yes, allow. ओके कमेंट्स ऑन हो चुके हैं. प्लीज समवन टाइप हाय ऑन यूट्यूब. विल गेट टू नो दैट कि यहाँ पर कमेंट कर पा रहे हैं. ओके या प्लीज टाइप हाय एवरीवन. ग्रेट. आई थिंक अभी कमेंट्स ऑन हो गए हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स. आज मुझे आपको ये फोल्डर भी दिखाना है. यस आई गॉट इट नाउ. एवरीथिंग इज सेट.
ओके सॉरी सॉरी अगेन फॉर डिले, बट जैसा मैं बता रहा था 1998 में क्लास स्टार्ट किए थे, देन आई डिड लॉट्स ऑफ कस्टमाइज गिफ्ट आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते थे, रियलिज्म पोर्ट्रेट नाम से भी हम लोगों का फर्म है एंड ऑल दैट। बट देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज माई मिशन। माई मिशन इज़ टू क्रिएट मोर आर्टिस्ट इंडिया में, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होने चाहिए जो आर्ट फील्ड में कुछ काम करें, बिकॉज एवरीथिंग सराउंड अस इज आर्ट राइट। तो सुई से लेके एरोप्लेन तक वो कभी ना कभी किसी ने सोचा है वो आर्ट ही है। लाइक क्लोथ्स फैशन डिजाइनर बनाते हैं, घर अपना इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट बनाते हैं, आपके हाथ में जो भी मोबाइल फोन है जो भी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट डिजाइनर बनाते हैं राइट। सो एवरीथिंग जो भी एड आप देखते हो वो ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, जो एनिमेटेड वीडियो देखते हो एनिमेशन डिजाइनर बनाते हैं। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज विद आर्ट। बट मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट क्रिएट करूँ इंडिया में और आर्ट टीचर क्रिएट करूँ स्पेशली, जो इस वर्ल्ड को, इस इंडिया को बहुत अच्छे से सुंदर बनाए राइट। तो अगर आर्टिस्ट क्रिएट हो जाते हैं, उनकी नजर बन जाती है, तो डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है कि इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट बने राइट। तो गेट डायरी एंड पेन एवरीवन, आई विल शो यू सम माय वर्क। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके सो आई विल शेयर विद यू माय स्क्रीन। या सो दीज आर फ्यू वर्क्स, मैं आपको क्विक बताता हूँ एक दो मिनट के अंदर कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। ये इस तरह से कैनवस पेंटिंग, यू कैन सी द साइज 60x34, ये सारे सोल्ड आउट है, ये सब ऑर्डर्स के वर्क थे, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ये सारे कैनवस पे है, एक्रेलिक कलर से बनाए हैं। ओके यू कैन सी द डिटेल इन ज्वेलरी पार्ट एंड एवरीवेयर। ये सारे सोल्ड आउट है, मतलब ये कुछ एग्जीबिशन में थे, कुछ ये थे कि काफी बड़ा था, मतलब एक साथ इसका फोटो नहीं निकल पा रहा था। इट वॉज अराउंड 6 to 8 feet लॉन्ग, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बनाए थे ये सारे पेंटिंग्स। यू कैन सी द डिटेल्स, हर एक मोती का डिजाइन अभी यहाँ पर इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, बट इट वॉज वेरी डिटेल्ड वर्क। तो इस तरह से बहुत पेंटिंग बनाए हैं, ऐसे होटल्स में भी बहुत सारे दिए, औरंगाबाद के तो जितने होटल्स हैं सब जगह पर हम लोगों के पेंटिंग्स हैं। तो यू कैन सी द हैप्पीनेस एंड यू कैन सी द वर्क, डिटेल वर्क एंड फेस के एक्सप्रेशन कलर्स आप देख सकते हो। फोटो इतना क्लियर नहीं है, तब मोबाइल में क्लिक किया था वो, बट यू कैन सी द डिटेल्स, डिटेल वर्क। इस तरह से रियलिस्टिक वर्क किया था, देन आई हैव पेंटेड सम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑल्सो, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्विकली विदिन 2-3 minutes। ये इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट गणेशा थीम लेके हम लोगों ने किया था। बेसिकली आई एम एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ऑल्सो, रियलिस्टिक ऑल्सो, और डेकोरेशन के भी काम करता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, बट अभी पेंटिंग काफ़ी हद तक बंद है बिकॉज राइट नाउ आई एम मोर फोकस ऑन टीचिंग, मेंटोरिंग द पीपल। यू कैन सी द एब्स्ट्रैक्शन, ऑल आर एक्रेलिक ऑन कैनवस, बहुत सारे हैं दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ जाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके तो इस तरह से काफ़ी सारे पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स किए, पोर्ट्रेट के बहुत सारे एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किए हैं। यू कैन सी द पोर्ट्रेट हियर। ओके ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, उनके लिए हम लोगों ने बनाए थे। मेरी आवाज आ रही है सही से? प्लीज टाइप यस इन कमेंट सेक्शन एवरीवन, आई एम ऑडिबल। आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक, आजकल आपको मतलब थोड़ा सा किसी को कुछ आता है उनको ऐसे लगता है कि उनको बहुत कुछ आ गया, बट इतना डिटेल में जाके आपको काम करना पड़ता है। यू कैन सी ये मुझे आज भी याद है, ये जो बंदा है इसका चेक्स का शर्ट था पूरा डिटेल में, और एक एक लाइन मैंने चेक्स की परफेक्टली बनाई थी, एंड ऑल वो ऑल दिस पेंटिंग्स आर सोल्ड आउट। ओके ये कोई पेंटिंग मेरे पास है नहीं, सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। यू कैन सी द डिटेल वर्क, फाइननेस इन पोर्ट्रेट, कैरेक्टर एकदम परफेक्ट, मतलब रियल फोटो कौन सा है एंड पेंटिंग कौन सा है वो भी आप पहचान नहीं पाओगे। टाइप इन कमेंट सेक्शन अगर लेफ्ट साइड वाला पेंटिंग है या राइट साइड वाला पेंटिंग है, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर एबल टू गेस दिस थिंग। इतना डिटेल आपको जाना पड़ता है। ये पेंटिंग की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ये मेरा कोलाज पेंटिंग है, बेसिकली आई एम अ नेशनल विनर इन कोलाज पेंटिंग। तो इस तरह से ये पूरा पेपर से है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के पेपर से इसको पेंट किया गया है पूरा, इट नॉट अ सिंगल कलर यूज्ड इन दिस पोर्ट्रेट। ओके आई वाज मास्टर इन कोलाज आर्ट, सो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं हमारे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं,
एंड ब्रांडिंग, एग्जीबिशन का ब्रांडिंग, अभी जो पेंटिंग दिखाए थे आपको उसका हम लोगों ने एग्जीबिशन किया था, ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और रियलिस्टिक वर्क का। तो इस तरह से होर्डिंग्स आप लगा सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपीज, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, कि इस तरह से होर्डिंग्स आप लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। सो ऐसे अनटाइटल नाम से एग्जीबिशन किया था और बहुत सारी जगह पर सिटी में हम लोगों ने उसके होर्डिंग्स लगाए थे। यू कैन सी द पार्टनर, ब्रांड पार्टनर, ओके, एग्जीबिशन का है दोस्तों ये, ओके, एग्जीबिशन हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया था वहां पर हम लोगों ने ब्रांड पार्टनर्स लिए थे बहुत सारे लोगों के साथ। मतलब देखो मैंने ब्रांडिंग इस तरह से किया था कि कैमरा वाला, फोटो वाला, देन वीडियो शूटिंग, देन ये फ्लेक्स प्रिंटिंग, इवन द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द ब्रोशर एंड इनविटेशन कार्ड, कुछ किसी भी चीज में एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इवन लोकेशन, रेडियो के साथ पार्टनरशिप, इवन वी कैन से द न्यूज़पेपर वालों के साथ टाइप, टीवी चैनल के साथ टाइप, तो ये सारे टाइप आप अगर कर लेते हो और एक प्रॉपरली एग्जीबिशन नहीं इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, ओके okay? तो इस तरह से आप आराम से आपका इवेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो दोस्तों, ओके okay? तो ऐसे आपको आपका इवेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। उसके लिए क्या टिप्स है, ट्रिक्स है, वही सब चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं, ओके। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। ये इस तरह से आप भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर पाओगे दोस्तों, अगर एक बार आप वो स्किल सीख ले तो। ये तो स्कूल लेवल पे मैंने एग्जीबिशन किया था एक हॉल लेकर छोटा सा, ये इस तरह से हम लोगों ने एक मॉल के अंदर आर्ट गैलरी क्रिएट करके, आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह थे नहीं, मॉल है पीछे, तो वहाँ का जो ओपन स्पेस होता है वहाँ पर मैंने ये पूरा पूरा आर्ट गैलरी क्रिएट किया था, बिकॉज औरंगाबाद में तब आर्ट गैलरी था नहीं। बट देखो मैं हमेशा ना सोल्यूशन पे फोकस करता हूँ, प्रॉब्लम पे नहीं। तो प्रॉब्लम पे फोकस करने के अलावा उसको फाइंड आउट, आई फाइंड आउट कि दिस इज द वे वेयर वी कैन क्रिएट द आर्ट गैलरी और हम लोग यहाँ पर एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर मॉल के अंदर आर्ट गैलरी क्रिएट करके एक प्रॉपरली एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था। यू कैन सी डिटेल्स, क्लॉथ है, वुडन के स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए थे, ये पूरे फोकस मैंने खरीद लिए थे, पैनल्स खरीद लिए थे एंड फिर उसके हम लोगों ने एग्जीबिशन किए थे, ओके। सो ही वॉज माई डैड जिनके हाथों से हमने इनोग्रेशन किया था, एंड यू कैन सी मी ऑल्सो। और इसमें के सारे, ऑलमोस्ट सारे पेंटिंग हम लोगों के सोल्ड आउट थे इस शो में, और स्टूडेंट्स के भी हम लोग एग्जीबिशन करते हैं। यू कैन सी द स्टूडेंट्स वर्क हियर नाउ, ये गणपति थीम लेकर हम लोगों ने एग्जीबिशन किया था, ओके। यू कैन सी द गणेशा पेंटिंग बिहाइंड मी, ऑल दिस स्टफ। तो बाकी फ्यूजन थीम लेके डिफरेंट, अभी तो आर्ट गैलरी बन गया है इस तरह से, ओके। तो बाकी ये सब स्टूडेंट्स के वर्क है दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट के पेंटिंग्स है, तो देख सकते हो आप कितने अच्छे और फाइन वर्क स्टूडेंट्स करते हैं। और बहुत सारे फोटोज है, आप गूगल कर लो या इसी चैनल पे है बहुत सारा स्टफ, मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन के वीडियोस फोटोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, हरीश दही अंडे आर्ट पे। ये कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट्स है, आप अगर एक बार ये सारी चीजें सीख लो ना तो आपके भी इस तरह से न्यूज़पेपर में एग्जीबिशन के फोटोज, आपके पेंटिंग के फोटोज, ये सब चीजें आ सकती है दोस्तों, ओके। देयर आर सो मेनी फोटोज स्टूडेंट्स के वगैरह, मैं भी सारे नहीं दिखाते बैठता हूँ आपको, बट देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ। हर्ष आर्ट क्रिएशन पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आई हैव कंडक्टेड सो मेनी आर्ट वर्कशॉप ऑल्सो, मैंने बहुत सारे आर्ट वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हुए हैं, यू कैन सी ओवर हियर। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल जस्ट स्विच ऑन द चार्जर, ओके। या सो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर भी आप आर्ट वर्कशॉप कर सकते हो, ओके। तो स्कूल के अंदर हम लोगों ने कैनवस पेंटिंग का वर्कशॉप लिए थे और वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज माय स्कूल जहां पर मैं सीखा हूँ, तो एक बार सीखने के बाद आपको भूलना नहीं है जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां से आपने अपना लाइफ करियर स्टार्ट किया था। तो ये मेरा स्कूल था जहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जाके स्टूडेंट को एलिमेंट्री इंटरमीडिएट जो ड्रॉइंग ग्रेड एग्जामिनेशन होते हैं उसके क्लासेस मैंने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लिए थे। यू कैन सी स्टिल देयर इज नो बेंचेस एंड ऑल एंड एसी और वो सब चीजें, लिटरली हमने स्कूल के जो ग्राउंड होता है वहाँ पर शेड बना हुआ था, वहाँ पर जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट थे उनके मैंने वहाँ पर कंडक्ट किए थे क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट को तो हमने आर्ट मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। तो एक बार आप सीख लो, एक लेवल पे पहुंच जाओ तो अपने ग्राउंड को कभी भूलना नहीं है दोस्तों। यू शुड ऑलवेज डू द सोशल वर्क, जो भी आप जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए।
एंड हियर आर फ्यू थिंग्स जो हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह, ये कॉलेज टाइम में मैं ज्यादा करता था. जो शॉप्स, बड़े बड़े शोरूम्स होते थे उनमें दिवाली के डेकोरेशन वगैरह वहाँ से हम लोग करते थे, ताकि कॉलेज को फंडिंग, मतलब खुद के आर्ट मटेरियल खरीद सके, कॉलेज की फीस एंड ऑल दैट. बिकॉज आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. यू कैन सी ओवर हियर द कैनवस पेंटिंग. ये भी ऑर्डर का वर्क था दोस्तों, तो हम लोगों ने बना के दिया था, काफी बड़ा साइज का. तो दिस वॉज द ब्यूटिफुल जर्नी जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें की हैं. दिस वॉज माई स्टोरी वेर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई एम बेसिकली फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और घूमते रहता हूँ. अभी तो कोई लोकेशन नहीं है. देखो, 1998 में मैंने ये सब स्टार्ट किया था. जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने अपना करियर आर्ट में स्टार्ट किया था. एंड नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं टीचर्स, आर्ट टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट, इन सबको सिखाता हूँ. सो रफली आइडिया मिल गया होगा मेरे बारे में, राइट? सो तब कोई गैलरी भी नहीं था, तो मैंने मेरे घर पर ही गैलरी बना दिया था. देन आई वॉज इन टू द गिफ्ट आर्टिकल्स, छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स, पेंटिंग्स, राइस पेंटिंग, चावल के दाने, उस पर नाम लिखना, उस पर फोटो बनाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं. और वहाँ से सारी चीज़ें सीख सीख के आगे बढ़ा हूँ. एंड अभी फिर प्री प्राइमरी स्कूल में किया, जहाँ पर अपने खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट किए उनके स्कूल टाइमिंग के बाद. देन होम ट्यूशन स्टार्ट किए. तो कॉलेज एंड हो गया था, फाइन आर्ट्स में कर रहा था 4 साल का डिग्री कोर्स. तो वो खत्म होते होते ये लेवल आ गया था कि अराउंड 35 बैचेस मेरे हो गए थे. एंड एक बैच का 3 to 3.5-4 K, मैं 4,000 के आसपास एक बैच का फीस लेता था. तो इट वॉज गुड अमाउंट विच आई वॉज अर्निंग इन फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज. तो आप अगर आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हो, इवन स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. वही सिखाते हैं हम हमारे आर्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम में. एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज सेटल इन आफ्टर द ग्रेजुएशन इमिजिएटली. ओके, एंड यू कैन सी द स्मॉल एग्जीबिशन फोटो जो मैंने एक छोटे से स्कूल के अंदर एक हॉल लेके किया था. एंड देन आई हैव कंडक्टेड द एग्जीबिशन इन नेशनल गैलरीज और इंटरनेशनल गैलरीज, और आई क्रिएटेड सम गैलरीज इन माई सिटी ऑल्सो. आई हैव डन द ब्रांडिंग, ये सारे फोटोज मैं आपको दिखा चुका हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें पॉसिबल है दोस्तों, ये सब आपको भी, आप भी कर सकते हो, राइट? सो जो मुझे 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचने में, ये सारी चीजें करने में 25 साल लगे, बिकॉज मेरे पास राइट मेंटोर नहीं था, राइट? बट आप आज यू आर द लकी पीपल. आज आपके पास सिखाने के लिए कोई है कि आर्ट फील्ड को आगे कैसे लेके जाए और ये सारी चीजों को हम आगे कैसे बढ़ाए, राइट? सो जो मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो एक चीज करने में समझो मुझे 10 10 साल लगे हैं, तो वो 10 साल आपके 1 साल के अंदर मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ. एंड यू कैन सेव योर टाइम एंड मनी ऑल्सो, और एनर्जी भी आपका सेव होगा उसमें. इट टेक्स मी 3 लॉन्ग ईयर टू क्रिएट दिस आर्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम. ये जो हमारा वीडियो फॉर्मेट का कोर्स है, ये 3 साल लगे मुझे इसको एक 1 ईयर का प्रोग्राम में बिठाने के लिए. 150 वीडियोस स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग पेंटिंग के शूट किए, देन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग सेल कैसे करना है, खुद के ड्राइंग क्लास कैसे स्टार्ट करने, सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के मैंने वीडियो बना के कोर्स के अंदर डाले हैं. प्लस लाइव सेशन एवरी वीक होता है. तो दिस इज अमेजिंग जर्नी. यू कैन सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम. और जो मुझे 10 साल लगे वो आप 1 साल में सीख सकते हो, राइट? एंड मुझे अगले 2 सालों के अंदर 10-15 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट को सक्सेसफुल स्टोरीज बनाने हैं, उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जाना है आर्ट फील्ड में. दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम. एंड आई वांट टू क्रिएट मोर आर्टिस्ट एंड आर्ट टीचर ऑल्सो इन इंडिया. देखो, मैं अगर 10 को सिखा रहा हूँ, तो आप और आगे 10 को सिखाओ, राइट? तभी तो जाके ये साइकिल बनेगा और एक इंडिया में आर्ट का रिवोल्यूशन आएगा. सो दिस वॉज माई जर्नी दोस्तों. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. टाइप यस इफ यू आर रेडी. टाइप यस इन अ कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी. सो टूडेज टॉपिक, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं. हाउ टू सेल पेंटिंग, हाउ मच यू कैन अर्न थ्रू आर्ट एंड आर्ट क्लासेस, हाउ टू कंडक्ट द परफेक्ट आर्ट एग्जीबिशन, देन विच आर द आर्ट फॉर्म्स यू शुड लर्न बिफोर क्रिएट आर्ट एज अ बिजनेस. ओके, आर्ट को एक बिजनेस बनाने से पहले आपको क्या क्या चीजें जाननी होगी. देन हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ऑफकोर्स मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर एंड ऑल. आप लोग ऑलरेडी क्यूरियस है उस चीज के बारे में, राइट? स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है एंड
एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये आज का जो वीडियो है ये स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आई गिव यू द स्पेशल ऑफर हु विल रजिस्टर ड्यूरिंग दिस सेशन। और जब भी आप ये देख रहे हो, जस्ट यू जस्ट हैव टू कॉल अस और मैसेज अस कि मुझे इनरोल करना है। यू विल गेट द अमेजिंग ऑफर्स ऑल्सो एंड आई विल रिव्यू यूर आर्ट वर्क ऑल्सो। जो लाइव सेशन होता है इसके बाद आप लाइव अगर आते हो हमारे सेशन में, आपने अगर रजिस्टर किया है, आपको ये लिंक मिला है, उसके बाद अगर आप लाइव आते हो तो आपको एक आपके आर्टवर्क जो है उनको भी हम लोग रिव्यू करते हैं। ओके एंड वी विल गिव यू अबंडेंस ऑफ फ्री नॉलेज। आज बहुत सारी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, बट फिर भी लर्निंग एटीट्यूड रखें एंड बी रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ अवर पेड कोर्स। ओके हमेशा ये मत भूलिए कि मुझे आता है, भले आपको 10 15 20 सालों का एक्सपीरियंस हो आर्ट फील्ड में और आप आर्ट टीचर हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, बस इस वीडियो को देखते हुए दिमाग पूरा खाली करिए। ऐसे सोचे कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे बेसिक से सीखना है सारी चीजें। अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो ही आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। मैंने बहुत लाखों रुपए खर्चा किया है खुद को ग्रो करने के लिए, ये डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एंड मार्केटिंग स्किल सीखने के लिए, जो मैं आपको एज ए आर्टिस्ट कैसे ग्रो करना है ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ, राइट। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा, मैं अगर ऐसे बोलता कि नहीं मुझे सब कुछ आता है तो मैं आपके सामने आ ही नहीं पाता। तो आपको भी अगर फ्यूचर में ये सारी चीजें अचीव करना है, अपनी पेंटिंग सेल करने, खुद के क्लासेस बढ़ाने हैं, तो आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके एंड बी रेडी टू ज्वाइन अवर फुल ईयर मेंटोरशिप प्रोग्राम। ओके तो उसमें क्या क्या डिटेल्स है उन सब के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई ऑलवेज स्टार्ट द सेशन विद दिस कोट। आई लव दिस कोट ऑफ बाय पाब्लो पिकासो जी, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। पहले आपके सोच में होना चाहिए कि आपको इतने लाख रुपए महीना कमाना है, इतना करोड़ रुपए महीना कमाना है। अगर आपके इमेजिनेशन में नहीं होगा, आपके थॉट प्रोसेस में नहीं होगा, तो वो रियल में नहीं बनेगा। ओके दुनिया में जो भी चीज बनी है, जो भी आप आपके आसपास देख रहे हो, चेयर से लेके मोबाइल फोन तक या आपके घर तक, सारी चीजें पहले कभी ना कभी किसी का इमेजिनेशन, ओके एरोप्लेन से लेके सुई तक जो मैं बोलता हूँ हमेशा, तो ये सारी चीजें किसी ना किसी की इमेजिनेशन थी और वो बाद में रियलिटी में बनी जब उन्होंने वो सोचा कि मुझे ये करना है। तो आप सोचते ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना यार, छोटा सा क्यों सोच रहे हो, राइट। सोचो कि मेरे पास 500 स्टूडेंट आ गए, 1000 स्टूडेंट आ गए हैं, तो बड़ा टारगेट करो। मेरी पेंटिंग लाखों में, हजारों में नहीं लाखों में जा रही है, तो मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है, ये बड़ा सोचो, सोचना ही है तो, राइट। अगर सोचने में इतनी ताकत है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा ताकत है हमारी सोच में, तो आपको कुछ बड़ा ही सोचना चाहिए। ओके सो अभी बात करते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट, हाउ यू कैन अर्न थ्रू द आर्ट। आप आर्ट से पैसे कैसे कमा सकते हो, ओके व्हाट आर द वेज, क्या उसके ऑप्शंस है पैसे कमाने के आर्ट फील्ड में। सो बाय कंडक्टिंग आर्ट क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लेते हो तो, देन बाय सेलिंग द पेंटिंग एग्जीबिशन करने से आप पैसे कमा सकते हो, देन कस्टमाइज आर्ट वर्क लाइक टी शर्ट्स हो गए, बाद में आपके टी शर्ट्स हो गया, शूज, पॉट्स, बॉटल आर्ट, वॉल हैंगिंग, ग्लास पेंटिंग, इस तरह के। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में ना बहुत सारे लोग अपना बिजनेस लेकर आए थे, राइट। तो वैसे अगर बिजनेस में कन्वर्ट करते हो आप लोग तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ओके अब बात करते हैं आर्ट क्लासेस की। ओके आर्ट क्लासेस में कितना पोटेंशियल है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि हाउ मच विल बी द चार्ज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन क्लासेस। आप अगर खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करोगे तो फटाफट मुझे बताइए कि आप कितने पैसे चार्ज करोगे। टाइप इन कमेंट सेक्शन एवरीवन, टाइप इन कमेंट सेक्शन कि आप कितना फीस चार्ज करोगे बाकी स्टूडेंट्स से। गुड गुड ओके तो आपको आपके आर्ट क्लास का फीस स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। हाउ टू डिसाइड द फी स्ट्रक्चर ऑफ योर आर्ट क्लासेस, इट्स अ बिग चैलेंज। ओके आर्ट क्लासेस छोड़ो, कोई भी बिजनेस अगर करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी काम कर रहा है इस दुनिया में, वहां पर स्टार्टिंग में इनिशियली ये प्रॉब्लम आता ही है कि आपको आपकी क्लास का फीस कितना रखना चाहिए। सो व्हेन आई कम टू द प्राइसिंग पॉइंट, एक यूनिवर्सल रूल है उसका। ओके ये रूल जो है ये बहुत सिंपल है एंड इट्स एप्लीकेबल इन ऑल इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री में ये रूल एप्लीकेबल है, इट्स अ सेम रूल फॉर ऑल द इंडस्ट्री। ओके तो व्हेन यू हैवंट बॉट अ कोर्स, मतलब जब आपने खुद ने ऐसा कोई कोर्स नहीं खरीदा है उस प्राइस पॉइंट पर जो आप लोगों को चार्ज कर रहे हो। ओके जैसे आप शर्ट बेच रहे हो, पैंट बेच रहे हो, समझ लो कपड़ों कोई कपड़े बेच रहे हो। ओके अगर आपने खुद ने 1000 रुपए का शर्ट नहीं पहना है
तो आप 1000 रुपए का शर्ट बेच नहीं पाओगे। इट्स सिंपल। ओके, अगर आपने खुद के लर्निंग के ऊपर अगर 20,000-25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप लोगों से 20-25,000 रुपए मांगने भी कतराओगे। ओके, मैंने लाखों रुपए खर्चा किया है इसलिए मैंने अगर मैं मेरे कोर्स का प्राइस 1 लाख रुपीज भी रखूं, जो है नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, बट मुझे, मैं कतराऊंगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है मैं कितनी वैल्यू लोगों को दे सकता हूँ। मैंने खुद के लर्निंग के ऊपर उतना इन्वेस्ट किया है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली कि आपने कितना इन्वेस्ट अभी तक खुद के ऊपर किया है, तो उस हिसाब से आप लोगों से भी आगे चल के चार्ज कर पाओगे। ये बहुत सिंपल रूल है, बिकॉज देखो अगर वो उतना खर्चा आपने नहीं किया है तो उतना कन्विक्शन, उतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2000 रुपये महीने भी चार्ज करते हो ड्रॉइंग क्लास का, 24,000 रुपीज पर ईयर चार्ज करते हो, तो अगर आपने उतना चार्ज कर रहे हो आप लोग, तो आपने कम से कम 24,000 रुपये साल का कहीं पर खुद के लिए इन्वेस्ट किया होना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो आप में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। राइट, टाइप यस इन कमेंट सेक्शन। राइट, या सो आप जब कोर्स स्टार्ट करते हो स्पेशली आर्ट का या कोई भी, तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। वन इज बिगिनर कोर्स और दूसरा जो कोर्स होता है वो एडवांस कोर्स। ओके, अभी बिगिनर कोर्स में क्या आएगा कि आप बेसिकली लोगों के आर्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हो। ओके, स्टूडेंट्स के आर्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, जैसे ऑयल पेस्टल हो गया, कलर पेंसिल हो गया, कैनवस पेंटिंग, वाटर कलर, पोस्टर कलर, ये बिगिनर कोर्स में आ सकता है कि आप बेसिक उनका क्लियर कर रहे हो। ओके, तो उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने साल के 12,000 रुपए महीना भी लिया बेसिक स्किल डेवलप करने के, तो आप 1 या 2,000 रुपए आप चार्ज कर सकते हो, जिसमें समझो अराउंड 24,000 रुपीज पर ईयर आएगा। राइट, तो इस तरह से आप 1-2,000 रुपए अगर महीने का चार्ज करते हो बिगिनर कोर्स के लिए, तो दैट्स फाइन, इट्स माय रिकमेंडेशन। बाकी आप पे डिपेंड है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, बड़े सिटी में रहते हो, तो 3-4 हज़ार भी बेसिक कोर्स के आप चार्ज कर सकते हो। एंड द सेकेंड एडवांस लेवल का जो कोर्स है, उसके अंदर समझो लोगों की जिंदगी चेंज होनी चाहिए। ओके, देयर शुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स लाइफ। फॉर एग्जांपल, उनको 5,000-10,000-20,000-25,000 रुपए महीना 2-3 महीने के अंदर ही वो कमाने शुरू होने चाहिए। साल भर के अंदर उन्होंने 15-20 हज़ार रुपए महीना आप जो सिखा रहे हो उससे कमाना शुरू करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल का कोर्स अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मेरे हिसाब से इस तरह का कोर्स जो होता है वो एडवांस लेवल का होता है। ओके, एंड देन ये बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई रिकमेंड कि 36,000 मिनिमम उसका, 36,000-60,000, मतलब 3,000 रुपए से 5,000-6,000 रुपए तक आपने ऐसे एडवांस कोर्स का फी स्ट्रक्चर रखना चाहिए। दैट विल बी 36,000 या 60,000 पर ईयर। मतलब समझ के, अगर कोई बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स कर रहा है तो उसको अराउंड आपको 50,000 से 1 लाख रुपए आपका उसका चार्ज लेना चाहिए। एंड आई थिंक ये स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। राइट, समझ में आ गया सबको? टाइप यस इन कमेंट सेक्शन कि किस तरह से आपको फी स्ट्रक्चर डिवाइड करना है, आपको कैसे आपका अपने क्लासेस का फीस स्ट्रक्चर रखना है। अभी बात करते हैं क्लासेस से एग्जैक्ट कितना आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेते हो तो देखो, इट्स नॉट ए ट्यूशन क्लासेस, एवरीडे क्लास लेने की जरूरत नहीं। आप हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन क्लास लोगे और 40 मिनट्स या 1 आवर का एक क्लास लोगे। ओके, इसमें कैलकुलेशन अगर, मतलब ये पार्ट टाइम जॉब हो गया, इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब। और एक बैच के अंदर आप 15 स्टूडेंट्स भी रखते हो, और एक हम लोगों ने अभी जैसे कैलकुलेट किया है कि एवरेज आप 1,000 रुपए महीना भी लेते हो एक स्टूडेंट का मंथली, तो भी 15,000 रुपए आप आराम से हर महीने का कमा लोगे एक बैच से। ओके, अभी ये एक बैच क्रिएट कैसे करनी है? आप बोलोगे मेरे गाँव में ऐसे लोग है नहीं जो 1,000 रुपए दे, या 15 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे, और मैं यहाँ पर 5 बैचेस की बात कर रहा हूँ जो आपको स्टार्ट करने हैं, 75,000 पर मंथ आपको कमाना है। राइट, मतलब तो एक बैच के लिए, फर्स्ट बैच के लिए स्टूडेंट कैसे लाने हैं? तो दैट्स वेरी सिंपल आंसर। ओके, आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है और उस फोन की ताकत को समझो। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो पूरी दुनिया में। ओके, मतलब इंडिया में ही नहीं, हम लोगों के पास तो अभी इंडिया से बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू इट, मतलब इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी। आप अगर झारखंड में रहते हो तो यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम द बंगाल, जहाँ से वो लोग हैं, या कश्मीर या महाराष्ट्र, वहाँ के स्टूडेंट के क्लासेस आप ऑनलाइन आराम से ले सकते हो। बाकायदा आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ड्राइंग का पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, बेसिक से लेके कैनवस पेंटिंग तक आपको उनको एग्जैक्टली क्या सिखाने वाले हो। ओके, उसका रिजल्ट आपको, आपने पहले कुछ किया होना चाहिए, और ताकि वो दिखा के आप लोगों को बोलो कि मैंने क्लासेस स्टार्ट किया है, प्लीज ज्वाइन माई क्लासेस। ओके, तो इस तरह से आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे 1 ईयर के मेंटरशिप प्रोग्राम में। उसके साथ ही आपको स्टूडेंट्स को हैंडल कैसे करना है, उनको क्या सिखाना है, क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है उसका,
एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें हम हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में सिखाते, तो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास हो तो डेफिनेटली कोई भी आपसे क्लास करना चाहेगा। और आपको ये पता होना चाहिए मोबाइल फोन यूज करके ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस किस तरह से लिए जा सकते हैं, ओके, वो इजीली पॉसिबल है। एंड देयर इज ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फेसबुक है, इंस्टाग्राम ऐड है, गूगल एडसेंस है, यूट्यूब ऐड है, यहाँ से आप इजीली स्टूडेंट गैदर कर सकते हो दोस्तों, ओके। और वो सारी चीजें मार्केटिंग कैसे करना है वो भी हम लोग सिखाते हैं। तो इट्स वेरी इजी सिंपल फंडा है कि आपको एक बैच के लिए 15 स्टूडेंट पहले महीने में लाने हैं और 1000 रुपए फीस पॉइंट के हिसाब से 15000 रुपए महीने के कमाने हैं। और सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 5 बैचेस, अगले 5 बैचेस के लिए आपको वही चीज करनी है जो 15 स्टूडेंट के लिए लाए थे, ओके? तो आपका 75,000 पर मंथ इजीली स्टार्ट हो जाएगा 3 से 6 महीने में। मतलब जैसे ही हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो अगले 3 या 6 महीने के अंदर आपका 75,000 रुपए महीना अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ इसका 25,000 भी स्टार्ट हो जाए तो बुरा नहीं है ना भाई, ओके? बट पहले आपको एक स्टेप तो उठाओ, पहले ये तो सोचो कि मुझे करना है, मुझे कमाना है, मुझे सीखना है, ओके? ये बहुत जरूरी है। देन इंक्रीज द फीस स्लोली। अभी देखो 1000 रुपए आप महीने का ले रहे थे, 75 स्टूडेंट आपके पास थे, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके स्किल डेवलप होंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आपका कन्वेंसिंग स्किल डेवलप होगा, तो आप वो एक ही फीस पॉइंट पे थोड़ी ना रहोगे। आप 1000 का 2000 का 1500 करोगे, फिर 1800 करोगे, फिर 2000 करोगे। तो मान लेते हैं 1-2 साल लगे इस प्रोसीजर को, और आपने 2000 कर दिया एक स्टूडेंट का, 75,000 रुपीज आपके पास आ गए, तो 1.5 लाख रुपए महीने का आराम से फिक्स आ जाता है। मैं क्यों आर्ट क्लास को रिकमेंड करता हूँ पता है? पेंटिंग सेलिंग से पहले भी मैंने इसको आर्ट क्लासेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक फिक्स रेगुलर इनकम आ सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? सो इस तरह से आपने 1.5 लाख रुपीस एक महीने में आप आराम से कमा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर रुकना नहीं, जो भी काम कर रहे हो वहां पर रुकना नहीं, उसके आगे वाला स्टेप सुनो। फिर आपको आर्ट वर्कशॉप कंडक्ट करने है कैनवस पेंटिंग के, तो क्या उसमें आप क्या करोगे, 18x24 लिख लो, 18 इंचेस बाय 24 इंचेस का आप उनको कैनवस दोगे, एक्रेलिक कलर दोगे, प्लस सिखाओगे कि किस तरह से पेंटिंग करना है। देखो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक से लेके कैनवस पेंटिंग तक सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और वो इस लेवल पे सीखनी पड़ेगी कि आपका पेंटिंग देखते ही लगे सामने वाले को, वाओ ये तो मुझे भी सीखना है, ओके? ये फैक्टर जब आ जाएगा आप में, तब आप इसको इस तरह के वर्कशॉप ले पाओगे। और ये अगर आप छोटे से गांव में रहते हो तो यार जाओ ना, 50-100 किलोमीटर ट्रेन हो गए है, बस है, उससे ट्रैवल करो और पहुंचो लोगों तक। अच्छे मेट्रो सिटी में जाओ, वहां पर कंडक्ट करो, क्या फर्क पड़ रहा है? जो मार्केटिंग करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन वो उस सिटी को टारगेट करके वहां के लिए करो। और एक वर्कशॉप का आप फीस रखोगे 5,000 रुपीज, और ऐसे 20 स्टूडेंट आप लेकर आओगे, तो अगर ये 3 डेज का वर्कशॉप रहेगा जिसमें आप उनको लंच दोगे, ब्रेकफास्ट दोगे, सारा आर्ट मटेरियल भी दोगे, ओके, इवन वो होटल वाला भी खुश हो जाएगा कि 20 लोग आके मेरे यहाँ पर तीन दिन के लिए तो खाना फिक्स खाने वाले हैं, ओके, ब्रेकफास्ट करने वाले, चाय मिलने वाली है, तो वो होटल वाला भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्लेस डेफिनेटली यूज करने देगा, या थोड़ा बहुत चार्ज लेता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर 5,000 रुपए के प्राइस पॉइंट से हम 20 स्टूडेंट का टारगेट करें तो 1 लाख रुपए आराम से हो जाता है। 20,000 भी आपका एक्सपेंस पकड़ के चलो 3 दिन का, मतलब वो कैनवस, कलर्स, खाना पीना सब अगर पकड़ते हैं तो भी 80,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है एक वर्कशॉप से, ओके? और एक बार एक वर्कशॉप आपका फिक्स हो गया तो अपने आप ही आगे के वर्कशॉप के लिए आपको रिकमेंडेशन भी मिलेंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि आप ऐसे महीने में कम से कम 3-4-5 वर्कशॉप कर सकते हो, तो एक 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 वर्कशॉप से अगर 80,000 आता है तो 4 वर्कशॉप से यू कैन अर्न इजीली 3.2 लाख रुपीज। तो टोटल अर्निंग अगर हम लोग काउंट करें पहले के 1.5 लाख रुपए, ये 3-3.5 लाख, 4 से 5 लाख रुपए महीना ड्रॉइंग क्लासेस से कमाया जा सकता है, वो भी इंडिया में, वो भी घर पे बैठ के, ओके? वर्कशॉप के लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ सकता है आपको, बट पूरा इंडिया है यार, जाओ ना अलग अलग सिटी में ट्रैवल करो, प्लेन से जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? सो यू कैन डू इट, पहले खुद पे भरोसा रखो कि आप इतना कमा सकते हो। टाइप यस इफ यू लाइक इट, टाइप यस एवरीवन इफ यू लाइक इट, चलो फटाफट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, अभी आप लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक सर पेंटिंग को सेल कैसे करें, ठीक है, उस पर आते हैं। सो हाउ आई सेल माई फर्स्ट पेंटिंग, इसका एक छोटा सा स्टोरी है, वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्या किया था दोस्तों मैंने, पेंटिंग मेरा घर पे छोटा सा पतरे का रूम था, मतलब उस जमाने में कोई स्लैब के घर वगैरह थे ही नहीं, तो एक छोटा सा रूम था, वहां पर मैंने क्या किया, 8th स्टैंडर्ड में की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, 7th 8th स्टैंडर्ड में था तब मैं, तो मैं पेंटिंग अच्छे से बना लेता था, पोस्टर कलर्स के, वाटर कलर के एंड ऑल दैट।
तो मैंने बहुत सारे पेंटिंग बना के रखे हुए थे जो आराम से सेल हो सकते थे, मतलब उसमें लैंडस्केप फ्लावर इस तरह के कुछ पेंटिंग्स थे। तो उसको मैंने क्या किया, फ्रेम करके मेरे वॉल पे लगा दिए रूम के अंदर। ओके, और वो सिर्फ लगा के मैं रुका नहीं, उसके ऊपर मैंने उसका साइज, उसका नाम और इवन मैंने उसका प्राइस भी डाला, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे डाल दिया था। वो प्लास्टिक के फ्रेम आते थे तब, और बाद में मेटल के फ्रेम आने लगे, ग्लास एंड ऑल, वो भी मैंने सीख लिया था कैसे फ्रेम करना है उसको, और मैंने पूरे वॉल भर दिए। तो वहां पर पेंटिंग्स लगाने के बाद आसपास के जो लोग थे, किसी का बर्थडे है, कहीं शादी पे जा रहे हैं, कोई इवेंट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए वो आके पेंटिंग्स खरीद के लेके जाते थे। तो इस तरह से मेरा पेंटिंग सेलिंग का करियर स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे मैंने इसको बहुत बढ़ाया, मतलब नेशनली नहीं, गली मोहल्ला छोड़ो, पूरा औरंगाबाद सिटी मैंने कवर किया, होटल्स, बार्स, और बहुत सारी जगह पर मैंने पर्सनल कलेक्शन लोगों के, और नेशनली इंटरनेशनली भी पेंटिंग बहुत ज्यादा सेल की है। तो इस तरह से आप अपना करियर आर्ट फील्ड में पेंटिंग सेलिंग का स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आप मोबाइल फोन से ही करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। ओके, बिकॉज अभी तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है भाई। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट। पेंटिंग सेलिंग करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप के आर्टिस्ट हो। दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक वो तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं। ओके, मतलब उसको मैं एक छोटी सी स्टोरी से बताऊंगा आप लोगों को। अभी एक होटल है, एक होटल का नाम है होटल ए। ओके, होटल ए, और दूसरी होटल का नाम है होटल बी। ओके, ए होटल है, और सेकंड होटल है होटल बी। ओके, अभी होटल ए में क्या होता है कि वो उसको जो पसंद है वही खाना बनाता है। ओके, वो चीजें नहीं बनाता, मतलब वो ए वाले होटल के अंदर कोई वेटर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको क्या खाना है, आपको पानी का बॉटल चाहिए, नहीं चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, आप पाव भाजी खाओगे या रोटी सब्जी खाओगे या बिरयानी खाओगे, कोई पूछने नहीं आता है। ओके, होटल ए के अंदर। और होटल बी के अंदर क्या है कि देर आर वेटर्स, दे आस्क यू कि आपको एग्जैक्टली क्या खाना है सर, आपको पानी गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, आप आज ये सब्जी, अभी हम लोगों का आज का मेन्यू स्पेशल ये है। तो देखो, ए वाले होटल में वो कुछ सर्व नहीं करता है, जो भी आए वो खुद को जो पसंद है वो बना देता है और लोगों के सामने वो थाली रख देता है। ओके, और बी होटल में आपको प्रॉपर सर्विस मिलती है, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है, वो बनाता है और उसके बाद वो टेबल पे रखता है, और फिर वो मतलब वो फिर लोगों को उस तरह से सर्व करता है। तो आप किस होटल में जाना चाहोगे, ए होटल में कि बी वाले होटल में? टाइप इन कमेंट सेक्शन ए और बी। ऑफ कोर्स आप बी में जाना पसंद करोगे, राइट? बिकॉज वहां का बंदा आपको पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए सर, राइट? तो इसी तरह से पेंटिंग करते वक्त आपको ये चीज याद में रखनी है दोस्तों कि कस्टमर को क्या चाहिए। हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फाइन आर्ट्स करते हैं, 10-15 सालों से प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे पेंटिंग बना देते हैं जो लोगों को चाहिए ही नहीं, वो कोई अपने घर में लगाना ही नहीं चाहता, या हजारों लाखों में से एक आध कोई बंदा रहेगा जिसको वो समझ में आएगा और वो घर में लगाएगा, और फिर हम रोते रहते हैं कि यार मेरे पेंटिंग सेल नहीं होते, और दूसरों को भी डिसमोटिवेट करते रहते हैं कि मत करो पेंटिंग, आर्ट फील्ड में करियर, पेंटिंग सेल नहीं होते। अरे पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को तो समझो, क्या चाहिए उसको, हमें जो पसंद है वो बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि वो कस्टमर ले नहीं रहा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना भाई। आपको पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो आप, आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक आर्टिस्ट वो होता है जो खुद को जो पसंद है वो बनाता है, घर में थप्पी बना के रखता है, वो सेल नहीं कर पाता, और दूसरा एक आर्टिस्ट होता है बी टाइप का, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझता है, क्या चाहिए वो समझता है, उस हिसाब से पेंटिंग बनाता है, अपने थॉट प्रोसेस को भी कल्टीवेट करता है उस तरह से, एंड देन द आर्टिस्ट क्रिएट द पेंटिंग्स, तो वो बहुत ज्यादा सेल हो जाती है, राइट? सो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या पेंटिंग ज्यादा सेल होंगे, राइट? तो पेंटिंग सेलिंग के लिए देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि 30, 35, 40 एज, मतलब जो भी अभी आपका करंट एज है उसके 10 से 15 साल आप लगाओ उस काम को करने में जो आसानी से बिक जाए। ओके, 90% वर्क, सेलेबल वर्क जिसे हम कहते हैं, ओके, जो लोग खरीदना चाहेंगे, ऐसा पेंटिंग्स बनाओ
90% आपका जो टाइम है मनी है वो उस पर इन्वेस्ट करो और बहुत सारे पैसे कमा लो अगले 10-15 सालों में, ओके। और 10, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद के सेल्फ के लिए आप पेंटिंग मत बनाओ, 10% आप साइमल्टेनियसली काम चालू रखो कि आप खुद के भी पेंटिंग बना पाओ, ओके। एंड उसके बाद 10-15 साल के बाद एक सर्टन अमाउंट आपके पास जमा हो जाए, आप पैसे कमाना शुरू हो जाओ, बहुत सारे पैसे कमा के रखो, उसके बाद फिर 90% जो काम करोगे वो खुद के ऊपर करोगे। तब तक आप मार्केटिंग भी सीख चुके होंगे एंड आपके कॉन्टैक्ट भी बढ़ गए होंगे, तो जो आप बनाओगे वो भी सेल होगा, राइट। तो इस तरह से 90% वर्क जो है फिर आप खुद के लिए करोगे और 10% आप कमीशन वर्क करोगे लोगों के लिए। होप सो इज दैट क्लियर। 90% फॉर द अदर्स टिल फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स एंड देन 90% फॉर योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स, ओके। एक बार आपके पास पैसे आए फिर सेल्फ क्रिएशन जो करना है वो करो, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, जो बनाना है वो बना सकते हो, राइट। पर पहले ही ऐसे पेंटिंग्स मत बनाओ जो सेल नहीं हो सकते, वरना फिर रोते रहोगे, ओके। दो टाइप के आर्टिस्ट समझ में आ गए सबको, अभी समझते हैं दो टाइप के कस्टमर्स, ओके। पेंटिंग सेलिंग करने से पहले टू टाइप ऑफ कस्टमर हु विल बाय योर पेंटिंग्स, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टाइप होता है जो खुद के लिए खरीदता है, मतलब उसको पेंटिंग सच में समझ में आती है उस बंदे को और वो पेंटिंग खरीदता है खुद के घर में, ऑफिस में, होटल्स में, कहीं पर लगाने के लिए, ओके। तो ऐसे बंदे बहुत रेयरली मिलेंगे आपको कि जो पेंटिंग को समझते हैं और अपने घर में पेंटिंग लगाना चाहते हैं, मतलब जो भी आप बनाते हो वो पेंटिंग। और दूसरे टाइप का कस्टमर्स होता है जिसको किसी को गिफ्ट करना होता है, ओके। मतलब उसका बजट 500, 1000, 2000, 5000 उससे ऊपर नहीं जाता, बिकॉज दैट पर्सन इज गिफ्टिंग टू सम अदर, ओके। तो वो गिफ्ट करने के हिसाब से पेंटिंग खरीदता है। तो ये दोनों टाइप के कस्टमर आपको समझने पड़ेंगे कि आप ये जो काम कर रहे हो किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से कर रहे हो या ये काम कर रहे हो जो इंडिविजुअल पर्सन बड़े अमाउंट में खुद के लिए खरीद ले, ओके। दैट यू नीड टू डिसाइड प्रॉपरली, ओके। काम की क्वालिटी चाहिए उसमें, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। पहले तो काम का क्वालिटी चाहिए, आपके काम में दम होना चाहिए, तभी तो जाके आगे बढ़ोगे, उसके सिवा तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अभी बात करते हैं पेंटिंग सेलिंग के सिंपल कैलकुलेशन में आप लोगों को बताता हूँ विद इन 5 मिनट। ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, वाटर कलर, ये अगर इस मीडियाज में अगर काम करते हो, बिकॉज मैंने देखो बहुत सोच समझ के मीडिया चूज किए, आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मीडिया में काम करना हार्डली 15-20 मिनट का काम है एक पेंटिंग, ओके। तो A4 साइज का अगर आप पेंटिंग बनाते हो जिसका मटेरियल कॉस्ट आता है 20 रुपीज और फ्रेमिंग वगैरह को मैक्सिमम कॉस्ट आएगा 180 रुपीज, ओके। तो इस तरह से 200 रुपए में एक पेंटिंग बन जाता है आपका आराम से और वो आप सेल करोगे 500 रुपए में, ओके। 500 रुपीज में आप उसको सेल करोगे। वापस आपका सवाल वही आएगा, सर ये सेल कहाँ करना है, कैसे करना है? मैं फिर से बोलूंगा आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, राइट। सो उस फोन पे भी से भी आप आराम से सेल कर सकते हो। देर आर सो मेनी ऑफलाइन टेक्निक ऑल्सो जहां पर आप सेल कर सकते हो, बट फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टा, फेसबुक, वहां पर ये पेंटिंग आराम से सेल हो सकता है। आपको सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग स्किल गैदर करना पड़ेगा कि इस पेंटिंग को सेल कैसे करना है, ओके। देन अगर 500 रुपए में वो पेंटिंग सेल हो जाती है, 200 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाता है उसका, तो 300 रुपीज में आपका एक पेंटिंग का प्रॉफिट हो गया। और आपको रोज के ऐसे 5 पेंटिंग करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, वाटर कलर के पेंटिंग 20-25 मिनट, आधे घंटे में बन जाते हैं। 5 पेंटिंग करने के लिए 2-3 घंटा मैक्सिमम लगेगा, ओके। तो इतना अगर टाइम आप दे सकते हो तो ही ये कैलकुलेशन काम में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा अगर पैसे भी कमाने हैं आर्ट से और सीखना भी है। तो 300 रुपये एक पेंटिंग का प्रॉफिट, 5 पेंटिंग का 1500 रुपये पर डे हो गया। इस हिसाब से अगर आप 30 डेज काम करते हो तो 45,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है, ओके। मतलब एक महीने का प्रॉफिट आपका 45,000। जो क्लासेस का मैंने बताया था कैलकुलेशन, वो क्लासेस तो चल ही रहे हैं, राइट। वहां से तो आप 1,00,000 रुपए कमा ही रहे हो, प्लस साइड बाय साइड ये काम भी आप कर सकते हो। देन पोर्ट्रेट अगर आप करते हो A3 साइज का, अभी यहाँ तक ये बेसिक पेंटिंग हो गया, इसमें लैंडस्केप, फ्लावर, एनिमल, इस तरह की पेंटिंग आप बना सकते हो, कार्टून, सुपर हीरोज। एंड उसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट में जाते हो तो A3 साइज का पोर्ट्रेट करते हो, 2,000 रुपए प्रॉफिट आप अगर उसमें रखते हो तो आराम से एवरी रोज के दो भी बनाते हो तो 4,000 रुपए पर डे का प्रॉफिट आएगा। 30 डेज अगर आप ये काम करते हो, मतलब महीने के कितने चाहिए, 60 पेंटिंग तो सेल करना है, 60 पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर लाने, 60, ओके, हर महीने 60 लोगों के ऑर्डर्स लेकर आने, तो आराम से 1.2 लाख रुपीज पर मंथ आपका स्टार्ट हो सकता है, ओके। देन ये सब करोगे, इतने सब कस्टमर को आप कैटर करोगे तो आराम से एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कस्टमाइज कैनवास पेंटिंग के भी ऑर्डर, मतलब लोग अपने घर में लगाने के हिसाब से आपसे पेंटिंग भी मांग सकते हैं। तो वो एक अच्छा आपको ज्यादा ऑर्डर्स दे सकते हैं और
वो पेंटिंग्स आप कॉस्टली भी बेच सकते हो, मतलब 10,000 रुपए से लेके 1-2-5 लाख रुपए तक आप वो पेंटिंग सेल कर सकते हो, बिकॉज वो कस्टमाइज है। ओके तो इस तरह से काम करना है, जो कि आराम से 6 मंथ या 12 मंथ में ये चीज पॉसिबल है। ओके टाइप यस इफ यू लाइक इट एवरीवन, अगर यहाँ तक समझ में आया और ये अच्छा लगा तो टाइप यस प्लीज एवरीवन। आपके पेंटिंग में दम होना बहुत जरूरी है, वाव फैक्टर आना जरूरी है, और उसके लिए आपको बेसिक कहीं से मेंटोरशिप लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि पेंटिंग सेलेबल, पेंटिंग सेलेबल आर्टवर्क कैसे बनाते हैं। टाइप कर दिया, ग्रेट। अब बात करते हैं आर्ट एग्जीबिशन के बारे में। ओके सॉरी, आर्ट एग्जीबिशन अगर आप करते हो तो फ्री में आर्ट एग्जीबिशन कैसे करना है? ओके इंटरेस्टिंग राइट। तो अगर आपको फ्री में आर्ट एग्जीबिशन करना है तो आप के आसपास आपके सिटी, अभी आप गांव में रहते हो तो जाओ यार थोड़ा सिटी में जाओ, थोड़ा सर्वे करने के लिए एक दिन जाओ, 2 दिन के लिए जाओ। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको आपके घर के आसपास आपके सिटी में नियर बाय प्लेस पे होटल्स, कैफे, ऑफिसेस, जहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस होंगे वहां पर आपको जाके सर्वे करना है, मतलब वहां आपको जाना है और उनका इंटीरियर वगैरह चेक करना है, उनको अपना कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो, अपना आर्टवर्क दिखाओ कि मैं इस तरह से पेंटिंग करता हूँ, करती हूँ, एंड आई मेक पेंटिंग्स फॉर द होटल, होटल में जाओ तो होटल्स के लिए पेंटिंग करती हूँ, कैफे में जाओ तो कैफे के लिए पेंटिंग बनाती हूँ, मैं बस इंटीरियर आपका देखने के लिए आई हूँ। और वहाँ पर देखना कि कौन सी खाली वॉल है तो उस वॉल पे जाके फोटो क्लिक कर लेना एंड ऑल दैट, और उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करो, कम्युनिकेशन में अपना स्किल डेवलप करो और उनसे बातें करो कि सर आपको किस टाइप का पेंटिंग पसंद है, आपको फ्लावर, लैंडस्केप, कौन से कलर कॉम्बिनेशन का पसंद है, आपका इंटीरियर तो पूरा येलो में है तो येलो कलर के कॉम्बिनेशन में आपको पेंटिंग अच्छा लगेगा आपके वॉल पे, ये जस्ट टॉक विद रैंडमली। ओके उनसे कुछ सेल पर्सन जैसे बात मत करो, चिपकू मत बनो, उनको सेल्समैन जैसे बात मत करो, जस्ट टॉक लाइक एन आर्टिस्ट, आई एम आर्टिस्ट, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माय सिटी, नियर बाय होटल्स, कैफे, जाके वहाँ पर एक चाय पी लो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप उनसे इंटरेक्शन करो, बात करो, ऑफिसेस में जाओ, ऐसी बहुत सारी जगह पर जाके आओ जहाँ पर आपको लगता है कि ये लोग पेंटिंग खरीद सकते हैं, मतलब 200 प्लेसेस पे विजिट करो, वो सबके नाम, नंबर, एड्रेसेस सब कुछ लिख लो वहाँ पर एक डायरी में लेके, मतलब इसको बोलते हैं सर्वे करना। ओके उनको बोलो कि मैं सर्वे करने आई हूँ, एंड उसके बाद उसमें से 50 अच्छे जो लोकेशन आपको लगे जहाँ पर पेंटिंग सूट हो सकते हैं और वो लोग खरीदना भी चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा आर्ट का सेंस भी उन लोगों को है, ऐसी जगह पर 50 लोगों को फाइनलाइज करो, और वो जो आपने डिस्क्रिप्शन लिया है उनसे, वो जो समझा है कि उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से घर जाके फिर 1-2 महीना लगा के आराम से वो 50 सुपर क्वालिटी के कैनवस पेंटिंग बना लो, जिसकी साइज होगी अराउंड 18x24। ओके तो 18x24 साइज के आप पेंटिंग बनाओगे जिसका प्राइस पॉइंट होगा 6,000 रुपीज, और आपका 1,000 रुपये सर्वे करने में, पेंटिंग, आर्ट मटेरियल, एग्जीबिशन इसमें भी लग गया, तो प्रॉफिट आपका नेट होगा उसके पीछे 5,000, और 50 पेंटिंग का हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए आराम से वहां पर मिल जाएगा। इट्स अ बिग अमाउंट राइट, 2.5 लाख रुपए आपको पेंटिंग सेल करने से पहले ही मिल रहे हैं दोस्तों, दैट्स अ बिग अचीवमेंट राइट, 2,50,000 रुपीज। तो इतना पैसा आप वहां से आराम से मतलब ये हमने अभी तक एग्जीबिशन में नहीं किया है। ओके और ये पेंटिंग आप बनाओगे, उसके बाद आप इनविटेशन कार्ड्स वगैरह प्रिंट करोगे, कैटलॉग छोटा सा प्रिंट करोगे, और फिर उन लोगों के पास फिर से जाओगे, उनको बताओगे कि ये मेरे ये मैंने आपके इंटीरियर के साथ से जो फोटो आपने खींचा था उसमें एडिट करके उनका वो पेंटिंग का फोटो उसके अंदर आप डालोगे, और फिर उनको बताओगे कि सर ये पेंटिंग तो एक्चुअली स्पेशली मैंने आपके कैफे के लिए बनाया था, अभी मैं इसका एग्जीबिशन करने जा रही हूँ, तो अगर आप अभी से बुक करके रखते हो तो ये पेंटिंग मैं आप ही को दूंगी, किसी और को नहीं, 1,000-2,000 रुपीज देके आप बुक कर लीजिए, पूरा अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं, और जब एग्जीबिशन होगा तो एग्जीबिशन के बाद मैं आप ये पेंटिंग आपके पास लाके दूंगी। बट अगर अभी आप खरीदते नहीं हो, जो कि स्पेशली आपके लिए बनाया गया है पेंटिंग, ये किसी और के लिए नहीं बना, आपके कैफे के हिसाब से, आपके इंटीरियर के हिसाब से मैंने ये बनाया है, बट अगर अभी आप बुक नहीं,
तो फिर ये एग्जीबिशन में जो भी आएगा वो खरीद लेगा, पर मुझे तो गारंटी है पेंटिंग का क्वालिटी अच्छा है, आप देख रहे हो कितना सुंदर है, तो ये तो एग्जीबिशन में बिकने ही वाला है, राइट। और ऑलरेडी बाकी के जो 50 पेंटिंग का ही एक्सक्लूसिव हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसमें से 10-15 पेंटिंग ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो स्कैरसिटी जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ा सा क्रिएट करो, और थोड़ा सा उनको बोलो कि ये टाइम लिमिट के लिए, मतलब अभी अगर आप बुक करते हो तो ही आपका है, मतलब टाइम फैक्टर में भी उसको बिठाओ कि उनको थोड़ा सा टाइम का भी रिस्ट्रिक्शन दो। तो 99.99% चांसेस है दोस्तों कि ये पेंटिंग आपका 100 वहां पर सोल्ड आउट हो जाएगा। ओके, वो बुक करके रखेंगे। तो इस तरह से 2.5 लाख रुपए आप पेंटिंग करने से पहले, एग्जीबिशन करने से पहले ही कमा लोगे। उसके बाद अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि चलो यार पेंटिंग तो सोल्ड आउट हो गया, नो no. इसके बाद ये कन्वर्सेशन आपका हो जाए, आपका पेंटिंग उन्होंने बुक कर लिया, उसके बाद उनको बताओ अप सेलिंग द प्रोडक्ट। ओके, सो आप एक कैटलॉग प्रिंट करोगे छोटे से साइज का, 8 साइज का या 6x6 इंचेस का छोटा सा कैटलॉग प्रिंट करोगे, जिसमें 50 पेजेस में आपका पेंटिंग रहेगा, और 50 पेजेस मतलब समझो बुक है, तो बुक के अंदर एक साइड में पेंटिंग का फोटो आया, उसका बैक साइड जो है वो ब्लैंक आप रखोगे। तो वहां पर आप क्या करोगे, ये जो कैफेज होटल्स ऑफिस जहां पर आप जा रहे हो वो बिजनेस पीपल है, राइट, तो उनके एड्स वहां पर आप लगाओगे, उनको प्यार से समझाओगे कि सर इसके 1,000 कॉपी में प्रिंट कर रही हूँ, और ये कैटलॉग में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांट रहे हैं, उसके इसके कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बांट रहे हैं, 1,000 कॉपी इसके प्रिंट आउट होंगे, और लोग देखो पेंटिंग इतने सुंदर है, इसमें गॉड के पेंटिंग है, इसमें फ्लावर के है, इसमें लैंडस्केप है, तो ये तो कोई फेंकने नहीं वाला, ये अपने घर में टेबल पे कहीं पर ये लोग संभाल के रखेंगे, राइट। तो और उसके अंदर आपकी एक ऐड रहेगी जिसमें आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, जो उनको डालना है वो सब, इवन एक छोटा सा कूपन भी आप डाल सकते हो कि 10% ऑफ विद दिस कूपन। ओके, तो इस तरह से मार्केटिंग आपको करनी है, और 3,000 रुपीज पर एड, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग आपको उनको समझाओगे, सर देखो पैम्पलेट अगर आप करते हो तो एक्सपेंसिव पड़ता है, और हर कोई उसको संभाल के भी नहीं रखता, पैम्पलेट पैम्पलेट लोग लेते हैं और फेंक देते हैं, राइट, और वो सही से पहुंच भी नहीं पाते उनके पास। ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे तो भी वो एक दिन तक याद रहता है, पर ये किताब कम से कम 1 महीना वो बंदे के घर पे रहेगा, और इसको कॉस्ट कितना लग रहा है, 1,000 लोगों के यहाँ पहुंच रहा है, 3,000 रुपये मांग रहे हैं, मतलब 3 रुपये एक क्लाइंट को आपको लेने के लिए, लाने के लिए, आपके शॉप तक पहुंचाने के लिए ये खर्च कर रहे हो आप। ओके, तो 3 रुपीज पर क्लाइंट, जो आप आराम से अगर कैफे भी है तो 400-500 रुपए का तो बिल वो करके जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, शांति से समझाना है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो 50 लोगों ने आपकी पेंटिंग खरीदते हैं वो आपके ये सारे एड भी खरीदेंगे। तो 1.5 लाख रुपए आप आराम से वहां से कमा सकते हो, और फुल स्पॉन्सरशिप, पोस्ट स्पॉन्सरशिप, बैनर, कार्ड, कैटलॉग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, ये सबके साथ भी आप टाइप कर सकते हो, इवन कैमरामैन एंड ऑल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों पर काम करना है। ओके, टाइप यस एवरीवन इफ यू लाइक इट, यस टाइप करो अगर आपको यहां तक पसंद आया सेशन, मजा आ रही है, राइट, बहुत मजा आ रही है। थोड़ा अमेजिंग वगैरह भी टाइप कर दो यार नीचे, जरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा सेशन अच्छा हो रहा है। ओके, डन। अभी बात करते हैं, देखो आपने फॉर्म भरा था, रजिस्टर किया था, वहां से आपको वेबिनार का लिंक मिला, अगर वो मिस किया है तो यहाँ तक पहुंचे हो, या तो ये सेशन का वीडियो आपको पहले आ गया है। सो एग्जैक्टली अभी हम लोग यहाँ पर क्यों है, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दिया है। राइट नाउ आई वॉन्ट ओनली सीरियस पीपल जो आर्ट फील्ड में अपना करियर करना चाहते हैं, आर्ट से सच में पैसे कमाना चाहते हैं, प्रोफेशनली इसको सीखना चाहते हैं, एंड वो लोग ही अभी आगे का पार्ट देखिएगा। बाकी लोग थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू 30 सेकेंड टू थिंक कि सीरियसली आप आर्ट में सीरियस हो क्या, अगर आप आर्ट में सीरियस हो तो ही आगे का वीडियो देखो, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे का वीडियो देख के भी, बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल कि आर्ट में और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, हमारा आर्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, और आपको स्कॉलरशिप एग्जैक्टली कितना मिलेगा और कैसे मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो जो सीरियस है आर्ट फील्ड से में लेके अपना करियर बनाना चाहते हैं, पेंटिंग से करना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग आर्ट को एज अ हॉबी करना चाहते हो, स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो लोग ही अभी इसके बाद रुकिएगा, बाकी लोगों को आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू लीव दिस वीडियो। ओके,
क्लैप फॉर यूर सेल्फ एवरीवन, ग्रेट. अगर आप अभी भी यहाँ पर रुके हो तो सीरियसली क्लैप फॉर यू. यू आर द डिसीजन मेकर, ओके. यू आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड, ओके. तो आप अगर खुद के लिए एक डिसीजन ले पाते हो कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग. आप लोगों का पैशन देख के मुझे भी मजा आ रही है, तो आपको भी मजा आ रही होगी, राइट. सो बिफोर मेक आर्ट एज अ बिजनेस, आपको ये चीजें करनी पड़ेगी. डेवलप योर स्किल्स, लर्न आर्ट फ्रॉम द बेसिक, देन लर्न ऑल मीडियाज फ्रॉम द प्रोफेशनल. बेसिक से सीखना पड़ेगा, सारे मीडियाज आपको प्रोफेशनली किसी से सीखने पड़ेंगे. फाइंड द राइट मेंटर फॉर योर सेल्फ, जो सिर्फ सिखाए नहीं, ओके. ये स्किल तो क्या गली मोहल्ले में कहीं से भी आप डेवलप कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ओके. वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट आपके पास राइट स्किल होने चाहिए. पहले ऑयल पेंसिल, फिर कलर पेंसिल, फिर नॉर्मल पेंसिल, उसका सीक्वेंस होता है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. और इसके साथ आपको ये भी सिखाने वाला कोई चाहिए कि अपने आर्ट को मोनिटाइज कैसे करें, मतलब आर्ट को एक बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करें, वो भी आपको पता होना चाहिए. तो वो स्किल सिखाने वाला भी मेंटर आपको ढूंढना पड़ेगा. एंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम आपको हर रोज देना पड़ेगा? 15 मिनट से लेके एक घंटे तक का टाइम आपको एवरीडे देना पड़ेगा. और वीकेंड पे हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे अगर आप दे पाओ, अगर वीकडेज में टाइम नहीं है तो वीकेंड पे भी 2-3 घंटे आप दे पाओ, तो आराम से आप 1 साल के अंदर ये पूरा जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसको आप कवर कर लेते हो, सीख लेते हो, ओके. एंड हमारे फुल ईयर मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं. ड्रॉइंग एंड पेंटिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सारे मीडियाज, ऑल मीडियाज आर कवर इनसाइड इट. देन हाउ टू सेल योर आर्ट वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, पेड एड्स क्या होते हैं, ये भी सारी चीजें आपको वहां पर सिखाई जाती है. देन हाउ टू स्टार्ट क्लासेस, खुद का ड्रॉइंग क्लासेस स्टार्ट करना कैसे करना है, उसका सिलेबस सारे एज ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, ये भी हम लोग रेडीमेड आपको वहां पर देते हैं, ओके. आपको बस वो वीडियो फॉर्मेट का कोर्स है, वीडियोस देखने, अपने ड्राइंग बुक में सारे ड्राइंग करने हैं और वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है. देन हाउ टू कंडक्ट द परफेक्ट आर्ट एग्जीबिशन, ओके. आप आर्ट एग्जीबिशन को कैसे कंडक्ट, जैसे मैंने अभी तो सैंपल बताया, राइट. अभी तो मैंने आपको बस स्ट्रेटेजी दी है, बट जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनको हम हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं. आप कौन से सिटी में हो, वहाँ की बेस्ट गैलरी क्या है, या आप जो सिटी में रहते हो वहाँ का आसपास का गैलरी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं. और ये फुल 1 ईयर का आर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, बट ऐसे नहीं कि 1 साल ही हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं. 1 साल के बाद भी अगर इफ यू स्टक विथ एनी प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू हेल्प यू ओवर देयर, ओके. हम लोग आपको वहां पर भी हेल्प करते हैं. देन करियर गाइडेंस इन आर्ट फील्ड, आर्ट फील्ड में आपको अगर करियर करना है इन फ्यूचर, तो आपका इंटरेस्ट देख के, आपका पैशन देख के हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने ये कोर्स करना चाहिए या ये दिस इज द राइट वे टू गो फॉर यू, ओके. आपको आगे जाने के लिए ये सही रास्ता है. देन क्रिएट आर्ट एज अ बिजनेस लाइक शार्क टैंक, ओके. आपको आर्ट को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है. जैसे शार्क टैंक में बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने अपने आर्ट को बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो उस तरह का काम करने के लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके. देन इनसाइड द कोर्स, यहाँ से हम लोगों का कोर्स स्टार्ट होता है, बेसिक आर्ट से लेके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव, स्केचिंग, एनाटॉमी, ये थ्योरेटिकल पार्ट भी इंक्लूड है कोर्स के अंदर ही दोस्तों. देन ये सारे मीडियाज आप वहां पर सीखते हो, ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल. मैं इसके ड्रॉइंग ही आपको दिखा देता हूँ, ओके. हम लोग क्या करते हैं, वी आर मोर फोकस ऑन द मीडियाज. हम लोग चाहते हैं कि आप पहले सारे मीडियाज सीख लो. अगर आप एक बार सारे मीडिया सीख लेते हो ना, उसके बाद यू कैन क्रिएट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टील लाइफ, फ्लोरल, ट्रेडिशनल पेंटिंग, जो आप बनाना चाहो बना सकते हो. मतलब अपने ऑयल पेस्टल अच्छे से सीख लिया तो ऑयल पेस्टल में पोर्ट्रेट बनाना है, एनिमल बनाना है, या लैंडस्केप फ्लावर बनाना है, तो कुछ भी बना सकते हो. वैसे ही सारे मीडियाज आप पहले आपको सीखने चाहिए, एंड देन यू शुड फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट, ओके. सो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, ये सारी चीजें भी आर्ट से आपको मिलती है, लाइक पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, रिलीफ बोर्डम, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके. एक्सक्यूज मी. तो ये ऑयल पेस्टल के कुछ ड्रॉइंग्स है. तो एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आप इस तरह से ऑयल पेस्टल के ड्रॉइंग आराम से कर पाते हो. एक्सक्यूज मी. देन यू कैन क्रिएट पेंसिल शेडिंग के ड्राइंग, इस तरह से आप पेंसिल शेडिंग भी के 3D ड्राइंग्स वगैरह कलर पेंसिल के वो भी आप कर सकते हो. देन नॉर्मल पेंसिल शेडिंग भी इंक्लूड है कोर्स के अंदर ही. तो आप देख रहे हो ये स्पाइडर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बाहर ही आ जाएगा, राइट. कौन सा वाला अच्छा लगा आपको, टाइप इन कमेंट सेक्शन एवरीवन.
उसके बाद पेन रेंडरिंग भी कोर्स के अंदर इंक्लूड है, ओके कोर्स में ही आपको पेन रेंडरिंग मिलता है, देन सॉफ्ट पेस्टल, देन चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर ऑन कैनवस, ये इस तरह से कैनवस पेंटिंग भी बनाने लग जाते हो आप, देन इस तरह से ग्लास कलर और एक्रेलिक कलर्स भी आप सीख लेते हो एक बार आप बनाते हो तो, ठीक है। एंड ये सारी ड्राइंग देख के अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक ड्राइंग एंड पेंटिंग का क्लास दिख रहा है, तो नहीं दोस्तों आप पूरी तरह से गलत हो। इट्स नॉट ओनली द ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रोग्राम, इट्स ऑल अबाउट द हाउ टू अर्न मनी थ्रू आर्ट, ओके। ये बेसिक पेंसिल पकड़ने से लेके कैनवस पेंटिंग तो यहाँ पर सिखाया जाता ही है, बट उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू अर्न मनी थ्रू आर्ट, पेंटिंग से पैसे कैसे कमाने, आर्ट फील्ड से पैसे कैसे कमाने, ये सारी चीजों का हम लोग आपको डिटेल में नॉलेज देते हैं, ओके वो सब चीजें सिखाते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको अलग कोर्स नहीं करना पड़ता है, इसी के अंदर सब कुछ हो जाता है, ओके। टाइप यस इफ यू लाइक इट एंड यू वॉन्ट टू इनरोल इट राइट नाउ। देखो एक बार आप डिसीजन ले लोगे और सीख लोगे तो इस तरह से एग्जीबिशन कर पाओगे, आपके न्यूज़पेपर में नाम आएंगे, आपके स्टूडेंट के एग्जीबिशन होंगे, एंड इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको सेल कर सकते हो। एंड देर आर फ्यू सक्सेस स्टोरीज जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं, ये प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे देख लेना, दिस माई यूट्यूब चैनल, आप वहीं पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। और यहाँ पर आप आ ही गए हो तो इसके बाद आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शेयर माई स्क्रीन विद इन सेकेंड, ओके। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन वॉच दिस वीडियो, यहाँ पर आप जाइए, ये यूट्यूब का चैनल है हरीश दही अंडे आर्ट, राइट। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है हरीश दही अंडे आर्ट, जैसे आप टाइप करते हो तो ये येलो कलर के ड्रेस में फोटो नजर आएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर जर्नी टू बी एन आर्टिस्ट, ओके ये जर्नी टू बी एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ओके तो यहाँ पर मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात की है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, अलग अलग स्ट्रीम में वो काम कर रहे हैं, ओके तो फैशन डिजाइनर है, तो फ्यूचर में अगर आप ये करियर करना चाहते हो, आप आर्ट टीचर बनना चाहते हो, तो ये वीडियोस आपको बहुत काम में आने वाले दोस्तों। सो गो एंड वॉच दिस वीडियोस, इसके साथ ही वहां पर आप वीडियोस में जाओगे तो या नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, ये क्यू एन ए सेशन भी है, आर्ट वर्क रिव्यू भी हम लोगों ने किया है, बट इसके अलावा थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्टफ हियर। मतलब छोटे छोटे ड्राइंग्स के मैंने डेमो भी दिए है, एग्जीबिशन हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके भी टेस्टिमोनियल्स वहां पर है, एंड थोड़ा बहुत पेंसिल शेडिंग के, 3D पेंसिल के ड्राइंग्स है, आई विल डेफिनेटली ऐड सम मोर इन दैट, ओके इन फ्यूचर। ड्राइंग्स थोड़े कम है बट है बहुत सारा चीज स्टफ है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, नाटा का भी मैंने एक पूरा ब्रोशर का बनाया है, देन हाउ टू सेल थ्रू द आर्ट, यहाँ पर हम लोगों के पेंटिंग्स है उसके बारे में, आर्ट क्यूरेटर कैसे बने, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलिमेंट्री एग्जाम, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम जो होती है उसमें क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, एलिमेंट्री एग्जाम BFA फाइन आर्ट्स क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, आर्ट इज मेडिटेशन, यू कैन सी लॉट्स ऑफ वीडियो, मोर देन 250 वीडियोज अभी राइट नाउ चैनल पे है, सो यू कैन टेक द फ्री बेनिफिट ऑफ ऑल दिस वीडियोज, ओके। इसके साथ डेमो क्लासेस भी है, ऑयल पेस्टल के है, देन पेंसिल शेडिंग के है, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको वहां पर मिल जाते हैं, ओके। नाउ आई शेयर क्विकली, बट आई टुक इट यू कैन से लाइक एज अ चैलेंज, उनके वीडियोस आप सुनिए, हमको ये वर्क करना होता, प्रोबेबली आप MBA चाय वाला, प्रोबेबली हमको ये वर्क करना होता है, डेली हमारी क्लासेस होती है, डेली वर्क हमको सबमिट करना होता है, और डेली सबमिट करने के बाद अगर कोई हमको दिक्कत होती है तो तुरंत हमको उसका सॉल्यूशन भी मिलता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लास चल रही है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डेली हम वर्क सबमिट करके जो भी हमको प्रॉब्लम हो रही है वो तुरंत हमको उसी वक्त हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है।
तो ये क्लास मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऑनलाइन क्लास। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हर्ष सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, जितना जो पर्सनली सभी ही को सॉल्यूशन बताते हैं अपनी क्लासेस में। थैंक यू हर्ष सर। प्रोबेबली आप एमबीए चाय वाला इस तरह से प्रोबेबली आप एमबीए चाय वाला आप भी ये सारी चीजें सीख सकते हो। हम एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, अभी ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर है, मतलब इवन ये तो कुछ छोटी सी स्टूडेंट है, उसने भी बहुत सारा अच्छा शेयर किया। हेलो ऑल, माय नेम इज तनिष्का, आई एम फ्रॉम पुणे। मतलब आप देख सकते हो इससे पहले जो थे वो एक आर्ट टीचर मैम थे जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, एंड शी इज अ स्मॉल गर्ल जो बहुत छोटी है, बट शी इज ऑल्सो इंजॉइंग एंड लर्निंग थ्रू दिस जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है वहाँ। आई जॉइन हर्ष ड्राइंग क्लास इन समर वेकेशन इन औरंगाबाद। दैट टाइम माय क्लास वाज इन ऑफलाइन मोड, बट नाउ आई एम लर्निंग न्यू ड्राइंग एंड कलरिंग टेक्निक्स थ्रू ऑनलाइन क्लास। आई लर्न नाउ टू ड्रॉ बेसिक शेप्स ऑफ एनी लैंडस्केप। आई ऑल्सो लर्न लैंडस्केप ड्रॉइंग बाय यूजिंग शेडिंग टेक्निक्स। आई विश यू सम। ठीक है, आई थिंक आप इसको देख सकते हो बाद में भी, राइट? स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर नाउ। ओके, इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हम लोगों ने डाले हैं और इसको इन फ्यूचर में और ऐड करते जाऊंगा। सो यू कैन वॉच ऑल दीज टेस्टिमोनियल्स ऑन माई यूट्यूब चैनल हरीश दहिंडे आर्ट। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका, आगे बढ़ते हैं। सो एंड इंस्टाग्राम पे भी है हर्ष आर्ट क्रिएशन नाम से, मैं पर्सनल आईडी हरीश दहिंडे नाम से है, एंड बाकी जगह पर भी है सोशल मीडिया पे, हर जगह पर हर्ष आर्ट क्रिएशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जोश, सब जगह पर आपको हर्ष आर्ट क्रिएशन नाम से पेजेस मिलेंगे। सो यू कैन गो एंड वॉच द रील्स एंड वीडियोज ओवर देयर एंड एंजॉय द स्टफ। ओके, और बहुत सारे आर्टवर्क्स भी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर मिलेगी, और नए जो अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके भी डिटेल्स वो इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे आते हैं। तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस ओवर देयर एंड सब्सक्राइब करिए सब जगह पे। ओके, एंड वेबसाइट के ऊपर अभी अब मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, harshartcreation.com नाम से वेबसाइट है हम लोगों का। तो आई विल शो यू दैट वेबसाइट ऑल्सो। सिंपली आपको यूट्यूब पे गूगल में जाना है, harshartcreation.com टाइप करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो यू कैन सबमिट योर फॉर्म फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑयल पेंसिल, कलर पेंसिल, ये सब वन ईयर का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। आपको फुल वन ईयर का एक्सेस मिलता है कोर्स का, लाइव क्यू एन ए सेशन मिलता है, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। ये यहाँ पर नंबर दिए होते हैं, अबाउट अस में नंबर दिए होते हैं, कॉन्टैक्ट अस में नंबर दिया होता है, और यहाँ पर भी आप गैलरीज में जाओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे फोटोज वगैरह डाले हुए हैं। देन अबाउट अस में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन रीड। स्टूडेंट्स वर्क में जाओगे तो फिर इंस्टा का पेज ओपन हो जाता है, तो यू कैन सी द बहुत सारे स्टूडेंट वर्क फ्रॉम हियर। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन सी फ्रॉम और इंस्टा पेज एंड वेबसाइट ऑल्सो। और ड्राइंग करेक्शन व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं, ये कैसे करते हैं इसका भी एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। देन गूगल मैप पे हर्ष आर्ट क्रिएशन औरंगाबाद टाइप करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर दूँ आप लोगों के लिए। सारे मीडिया, बेसिक टू एडवांस, हाउ टू अर्न मनी थ्रू आर्ट, हाउ टू स्टार्ट योर ओन क्लासेस, मतलब ये बेसिक का कोर्स नहीं, ये एडवांस का कोर्स है, राइट? फुल सिलेबस ऑफ आर्ट क्लासेस, हाउ टू कंडक्ट द परफेक्ट आर्ट एग्जीबिशन, कैसे ऑर्गेनाइज करने, अपने स्किल को डेवलप करके आर्ट को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलता है आपको फुल वन ईयर का, देन आर्टवर्क करेक्शन करके मिलते हैं, 50 लाइव सेशन मेरे साथ अटेंड करने को मिलते हैं, और एवरी वीक लाइव सेशन होता है जहां पर आपकी पर्सनलाइज क्वेरी भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी नाउ टेल मी एवरीवन, टाइप इन कमेंट सेक्शन कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द फी स्ट्रक्चर फॉर फुल वन ईयर आर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, कितना फी स्ट्रक्चर इसके लिए होना चाहिए ऐसे आपको लगता है? जस्ट टाइप करिए फटाफट, फास्ट, आई विल वेट, आई विल गिव यू 10 सेकंड्स। ओके, नहीं किस कर पा रहे। ओके, नाउ आई विल हेल्प यू, हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। ओके, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कोर्स फीस, बट हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इफ यू लर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉम द प्रोफेशनल, मैं अभी गली मोहल्ले के छोटे बड़े क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिसको कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदे से अगर आप कोई कोर्स सीख रहे हो जहां से आप
अगर वो वहां से आप सीख रहे हो तो कितना फीस होना चाहिए अराउंड, अगर आप आर्ट मतलब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी इसको अगर सीखते हो तो 1-2-3 महीने आपको लगेंगे, 3,000 रुपये उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा राइट। ऑयल पेस्टल सीखोगे तो पकड़ के चलो 2 महीने लगेंगे, 1,500-2,000 फीस लगेगा, तो 3,000 रुपये आपको कंप्लीट ऑयल पेस्टल बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए लगेगा। ऐसे सारे मीडियाज को मैं अगर 3,000 में भी, जैसे कैनवस पेंटिंग का तो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट हम लोग पकड़ के चलते हैं बाबा सारी चीजें सीखने के लिए 3,000-3,000 रुपए एक एक मीडिया का लगेगा। ओके तो इतना भी आपको लगता है 3,000-3,000 रुपए, तो 11 मीडिया सीखने के लिए 33,000 रुपीज आपको लगेंगे राइट। टाइप यस इन कमेंट सेक्शन, समझ में आ गया आपको। तो 11 मीडिया ये सारा इंक्लूड है कोर्स के अंदर। इसके अलावा हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कभी सीखने नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें हमने कोर्स के अंदर डाल दी। ओके, एग्जीबिशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जो मैंने आपको अभी बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जीबिशन कैसे करना है, वो अगर मैं आपको पूरा हैंड रोल सपोर्ट दूं और आप उसको इम्प्लीमेंट करो तो सोचो आप कितने सारा टाइम एनर्जी और पैसे बचा पाओगे, और एग्जीबिशन करने से पहले ही पेंटिंग सेल हो जाएंगे। तो उसका फ्रेमवर्क पूरा बैठ के आपके साथ मैं देता हूँ, दैट इज कम से कम पकड़ के चलो 20,000 रुपए तो दोगे, आपको एक कंसल्टेंट है आपके पास और उसको आप कैसे टाइप करना है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ कंसल्टेंसी करते हो, कि हम लोग आपको पूरा फ्रेमवर्क देते हैं, वील गिव यू द लेटेस्ट कि ये इस तरह से लेटेस्ट आपके एग्जीबिशन के टाइप के होने चाहिए। क्योंकि देखो कोई होटल वाले ने पेंटिंग बुक भी कर दिया तो आपको उसको रिसिप्ट देना पड़ेगा, आपको उसको एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि बाबा ये पेंटिंग एग्जीबिशन के बाद आप ऐसे ही कोई 2,000-2,000 रुपए भी नहीं देगा ना आपको, आपको प्रॉपरली उसको कुछ तो देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों में हम लोग आपको हेल्प करते हैं। देन हैंड रोल सपोर्ट फॉर एवरीथिंग इन आर्ट, वो प्राइसलेस है, मतलब उसका प्राइस मैं निकाल नहीं पाया, यू कैन डिसाइड बाय योर ओन। ऑफलाइन मार्केटिंग अगर करते हो तो उसका भी प्राइस लेस है। ऑफलाइन मार्केटिंग आपको कोई सिखाएगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि आर्ट फील्ड में किसी ने कर किया होना चाहिए ना भाई, क्योंकि उसने किस तरह से वो ग्रो किया है वो उसको पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई है ही नहीं मार्केट में जो आपको ड्राइंग और पेंटिंग का ऑफलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाए। ओके, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो जो कि आर्ट से रिलेटेड नहीं है, वो 10-15-20,000 रुपए में आप आराम से कहीं से भी सीख सकते हो, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एडसेंस, यूट्यूब ये सब सिखाते हैं। तो उसका पकड़ के चलो आर्ट रिलेटेड है तो मैं थोड़ा ज्यादा फीस रखूंगा, अगर मैं उसका अलग से कोर्स बना देता तो उसके मैं 15,000 रुपए रखता राइट। देन सोशल मीडिया सब कवर हो रहा है। देन सेलेबल आर्ट वर्क क्या होते हैं ये तो प्राइसलेस है, कौन बताएगा, जिसने खुद कुछ किया हुआ वही बताएगा राइट। तो ऐसे मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल है। डिसाइड प्राइसिंग प्राइसलेस, पेंटिंग का प्राइस क्या होना चाहिए, क्लासेस का प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बताने के लिए आपको ऐसा मेंटर चाहिए जिसने वो सब किया होगा। ओके, तो उसका भी मैं प्राइस नहीं निकाल पाया, बट सिलेबस ऑफ आर्ट क्लासेस, ओके, आर्ट क्लास का सिलेबस अगर कहीं से आप लेते हो जो कि कन्फाइन है और प्रॉपर है तो उसका चलो ठीक है, मैं एक पकड़ के चलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आपको 15,000 रुपए उसको मैं अगर उसका सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देता हूँ, अगर वो हम लोग देते हैं तो सिलेबस अगर मैं सिर्फ सेल करने लगूँ आर्ट टीचर के लिए और लोगों के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल करिकुलम को सपोर्ट करें तो आराम से 15,000 रुपीज आराम से वहां से मुझे मिल जाएंगे राइट। तो इस तरह से ये 2-4 चीजें ही है जिसका मैं प्राइस निकाल पाया, बट इसका भी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ टोटल मारूँ तो उसका टोटल हो जाता है 57,000 रुपीज राइट। मतलब 20,000 रुपए एग्जीबिशन, 15,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग, 15,000 रुपए सिलेबस फॉर आर्ट क्लासेस, और एक 5-7,000 रुपए पकड़ के चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कैसे करना है उसको डिटेल में जानने के लिए। वैसे तो ऐसा कोई कोर्स है नहीं आर्ट के लिए, स्पेशली ड्राइंग पेंटिंग के लिए मार्केट में, कि वो आपको सिखा सके कि आपके ऑनलाइन को ऑफलाइन को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। तो 57,000 हो गया, और जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था सारे मीडियाज का, ये 33,000, मतलब 90,000 रुपीज कोर्स का प्राइस हो गया। इजंट दैट अमेजिंग? टाइप यस एवरीवन। ये प्राइस नहीं है एक्चुअली, ओके, ये एक्चुअल में प्राइस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट 90,000 रुपीज इस कोर्स का एक्चुअली वैल्यू है। ओके, इतने में ये कोर्स मैं बेच सकता हूँ। ओके, ओके, नाउ टाइप 90,000 कोर्स का वैल्यू, यहाँ तक तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए वीडियो को और फिर से एक बार देख लीजिए। एंड इफ आई गिव यू 45,000 रुपीज में अभी ये कोर्स देता हूँ आपको, तो हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू बाई? टाइप यस इन कमेंट सेक्शन। ये 45,000 का भी नहीं है दोस्तों, ओके, इट इज नॉट इवन द 45,000, बट टाइप करो कमेंट सेक्शन में जो 45,000 जो जिनको लगता है कि मुझे अभी ये कोर्स 45,000 में परचेस कर लेना चाहिए। ओके, टाइप यस इन कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू बाई इट इन 45,000 रुपीज, ऐसे टाइप करो, बिकॉज यस बहुत सारे आएंगे राइट कमेंट सेक्शन में जब मैं बाद में देखूंगा, तो टाइप 45,000।
डोंट वरी, ये 45,000 में भी नहीं है ये कोर्स. दिस कोर्स फीस यू कैन चेक ऑन वेबसाइट राइट नाउ, harshartcreation.com पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो कोर्स है ये इसका प्राइस नजर आएगा, दैट इज 30,000 रुपीज. ओके, अभी ये जल्दी ही 50,000 होने वाला है. आई विल शो यू, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? या तो यहाँ पर ये फीस जो है ये 30,000 है. यहाँ से आप अगर ज्वाइन करते हो तो जस्ट हैव टू फिल ऑल दिस और रेजर पे, गूगल पे, फोन पे से आपको 30,000 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना होता है. ओके, बट आपने ये वीडियो देखा है, यू गॉट द स्कॉलरशिप फॉर्म आपने भरा है या आर्ट मेंटरशिप का फॉर्म आपने भरा है हम लोगों के यहाँ पर, अगर आपने रजिस्टर किया है, इट मीन्स वी थॉट कि यू आर द सीरियस पर्सन और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो. पिछले अराउंड 1.5 घंटा, अभी 1.5 आवर हम लोगों को होने वाला है, तो इतने देर तक देख रहे हो तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव दिस कोर्स इन 30,000 रुपीज ऑल्सो. जो प्राइस वैल्यू उसका 90,000 है, जिसके अंदर राइट नाउ 150 वीडियोज है और बहुत सारा स्टफ है. सो यू कैन डिसाइड राइट नाउ, you can choose right now to enroll yourself. Okay, if you are serious and aap agar sach mein ye course ko lena chahte ho, hum logo se seekhna chahte ho, art mentorship program mein enroll hona chahte ho to aur paise kamana chahte ho art mein, so type amazing in comment section everyone. Okay, and iska abhi right now aapko kis course ka price mein aapko milega ye course, इसके लिए 9764280027 इस नंबर पे आप कॉल करिए. कॉल इट राइट नाउ इमीडिएटली, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी राइट. एंड आई विल गिव यू 15 मिनट्स टू एनरोल योरसेल्फ. वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए एंड कॉल ऑन दिस नंबर 9764280027 एवरीवन. अगर ये नंबर बिजी आ रहा है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस अदर टू नंबर्स ऑल्सो. यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर्स. वीडियो को पॉज कर लीजिए एक सेकंड के लिए और इस नंबर पे आप अभी कॉल कर लीजिए और मुझे सीधा बोलिए कि हमको कोर्स ज्वाइन करना है. हम लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, वी वांट टू एनरोल इन कोर्स, हाउ मच वी शुड पे और हाउ वी शुड पे. ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जितने पे होते हैं सारे पे पे हम लोग अवेलेबल है. एंड ऑल नंबर्स, सारे पे का जो नंबर है यही है 9764280027. तो इसके ऊपर आप अपना पेमेंट कर सकते हो एंड जस्ट कन्फर्म, एक बार कॉल करके कन्फर्म कर लीजिए कि कितना पेमेंट करना है. ओके, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफर. ठीक है, मैंने कोर्स का फीस तो आपको वेबसाइट पे भी बता दिया, दैट इज 30,000 राइट नाउ, बट आपको बहुत कम कॉस्टिंग पे मिल गया होगा. सो थैंक यू सो मच जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको, एंड वेलकम, कम बैक ऑन दिस वीडियो अगेन. सो आर्टवर्क रिव्यू और लाइव वेबिनार जो होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो मिल गया और आपने लाइव सेशन पहले वाला मिस कर दिया है या अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है वो, सो आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी. आप सिंपली वेबसाइट पे जाइए वापस एक बार फॉर्म भरा होगा तो फिर से नहीं भर पाओगे आप लोग, बट यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम कि मुझे लाइव सेशन अटेंड करना है. ओके, लाइव सेशन अगर आप अटेंड करते हो तो वहाँ पर आपके आर्ट वर्क के हम लोग रिव्यू करते हैं. आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है harshartcreation.com पे और वहाँ पर आपको सामने ही एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, या तो इंस्टाग्राम के बायो में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा. ओके, ये देखिए, ये इस तरह से वेबसाइट के ऊपर harshartcreation.com पे जाते हो तो एक यहाँ पर फॉर्म आ जाता है. जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म. ओके, इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, आपका नाम, ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पर. इस फॉर्म को, छोटा सा फॉर्म है, 2-3 चीजें पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको वो सबमिट करना है. ओके, ये सबमिट करते हो तो यू कैन मीट अस लाइव, जहां पर मैं आपके आर्ट वर्क व्हाट्सएप पे मंगवाता हूँ और वहां से हम लोग आपके आर्ट वर्क भी रिव्यू करते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग आई विल गिव यू सिंपल क्विक 2 ट्रिक्स आप लोगों को देना चाहूंगा. होप सो आपकी आज बहुत सारी नॉलेज आपको मिली है रिगार्डिंग आर्ट फील्ड. पर जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है दोस्तों, तो लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम दिस ऑब्जेक्शंस. ओके, मुझे सब कुछ आता है भाई, आपको सब कुछ आता है तो ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा राइट. लर्निंग एटीट्यूड रखे, मुझे नई चीजें सीखनी है. अगर मैं बोलता मुझे सब कुछ आता है और मैं ये ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड सीखता नहीं ना, तो आप लोग इस यहाँ तक अभी पहुँचते ही नहीं राइट. तो ये सब कुछ आता है वाला सेशन बाजू रखो, मैंने लाखों रुपए खर्चा किया है और इतने कम प्राइस पे आपको ये कोर्स दे रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा लर्निंग पे इन्वेस्ट किया है. मैं ये कभी नहीं बोला कि मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं नई नई चीजें हर रोज सीख रहा हूँ. राइट नाउ यू कांट बिलीव, बट
I have spent 3-4 lakh rupees only for my business is completely to convert into the automation. Okay, there are softwares. वहाँ पर बहुत सारे ऐसे software हैं जहाँ पर बहुत सारे automations होते हैं. तो ये automation जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं business को convert कर रहा हूँ offline to online and all, वो सब मैं कोर्स के अंदर डाल रहा हूँ. ओके, ऐसे नहीं है कि मैं वो सारी चीजें छुपा के रख रहा हूँ. मैं ये सारी चीजें जो भी मैं सीख रहा हूँ वो सारा कोर्स के लिए सीख रहा हूँ. कोर्स के अंदर उसको डाल देता हूँ कि किस तरह से व्हाट्सएप पे बल्क मैसेजेस भेजे जाए, ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, सारी चीजें, बल्क मैसेजेस कैसे करने, ऑटो रिस्पॉन्डेड कॉल कैसे करना है, ये सारी चीजों पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी डे. ओके, तो ये आपको सिखाने के लिए मैं सीख रहा हूँ और साथ में ये मेरे कोर्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट उस चीज का नहीं करूंगा तब तक आपको क्या सिखाऊंगा, राइट? पहले मुझे खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस चीज पे. तो इस तरह से आपको सिखाने के लिए मैं सीख भी रहा हूँ. तो ये हमेशा आपको भी तो आगे सिखाना है, राइट? आपको भी तो ग्रो करना है, अपना बिजनेस करना है. तो इसलिए आपको ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि मुझे सब कुछ आता है, okay? मुझे सिर्फ अर्निंग करनी है. सिर्फ पैसे का मेंटालिटी रहेगा ना तो मैं इतनी सारी चीजें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट देता ही नहीं आपको, यूट्यूब पे डालता ही नहीं ये चीज. मैं बाकी लोगों जैसे सीधा आपको बोलता 99 रुपीज या 299 रुपीज का वेबिनार है, 1.5-2 घंटे का ट्रेनिंग है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी एंड यू विल गेट दैट एक्सेस, राइट? बट मैंने वो नहीं किया. मैंने यहाँ पर मैं आपको पेड प्रोग्राम के लिए नहीं बुला रहा, मैं तो सीधा वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, राइट? लाइव सेशन मैं सीधा यूट्यूब पे कर रहा हूँ. तो यू कैन सिंपली डू दिस ऑल थिंग्स. तो इस तरह से आपका जो अर्निंग है वो ज्यादा बढ़ेगा अगर आपका सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं रहेगा. यहाँ से चलो ठीक है, कोई इनरोल नहीं भी करता है आज की डेट पे, उसके पास पैसे नहीं होंगे या जो भी प्रॉब्लम उसका होगा, जो आप अगर आप आज इनरोल नहीं करते हो तो ठीक है ना. आज यहाँ से ये वेबिनार से जो 90 मिनट आपने इन्वेस्ट किए खुद के ऊपर, ये वेस्ट तो नहीं किया. आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो जिंदगी में. मेरा कोर्स कभी नहीं लो, राइट? बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बोलोगे ना, एक खुद के दिल में तो आपके रहेगा, यार ये वो हरीश दहियंडे सर का यूट्यूब चैनल पे मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो देखा था, वहां से मैंने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की और उससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरे आर्ट फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. आई विल गेट सैटिस्फैक्शन. ओके, वो जो आपकी दुआ है ना, वो दुआ मेरे काम में आएगी. इसलिए हमेशा ना सिर्फ पैसों के पीछे मत पड़ो. पैसा क्या यार, इट्स ए एनर्जी. आज यहाँ पर है, कल वहां पर है. ओके, तो वो चला जाता है, कोई अपने साथ पैसे ऊपर नहीं लेके जाता है. मेन इंपॉर्टेंट इज द हैप्पीनेस. यू शुड हैव दैट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप, वी कैन से. सो खुश रहना जरूरी है, सिर्फ पैसे कमाना जरूरी नहीं है. मनी मेक्स स्वीटेस्ट म्यूजिक इन द लाइफ. में ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं कमाने चाहिए, इसका ये मतलब मत निकालो आप लोग. पैसा बुरी चीज है, पैसा बहुत अच्छी चीज है, बट सिर्फ पैसा कमाना ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए लाइफ में. ओके, वो उस चीज को दूर करिए. शायद सेशन लंबा हो जाएगा, मेक इट शॉर्ट. सो मुझे सीखना नहीं है, सीखते रहो यार, मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम मेक्स मनी. ओके, तो आपको अगर पैसे कमाना है तो टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, एंड मनी मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल. सो लाइफ ब्यूटीफुल बनाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे. पैसे कमाने हैं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा. अभी आप डिसाइड करो, खुद का टाइम टेबल बनाओ. टाइम टेबल पे भी वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है. अगर नहीं समझ में आता है तो टाइम मैनेजमेंट वो वीडियो जाके देख लो. मुझे पेंटिंग सेल करना है, मैं फिर से बोलूंगा, पेंटिंग सेल करने की जगह खुद को कैपेबल बनाओ कि लोग देखते ही बोले मुझे पेंटिंग खरीदना है, राइट? इतनी अच्छी पेंटिंग बनाओ. वो अगर आप सीख जाते हो तो पेंटिंग सेल करना ये वर्ड नहीं आएंगे. मैं पेंटिंग बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ये वर्ड आएंगे, राइट? और लोग वो बिना बोले खरीद लेंगे. वो लोग खुद बोलेंगे, यार कितने में देना है तुझे ये पेंटिंग, मुझे अपने घर में लगाना. ये इस तरह के अपने स्किल को इतना वो लेवल तक डेवलप करो. देन मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, यार ये बहुत बहुत घिसा पीटा जवाब है. मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. आपको पेरेंट्स आपका खाना दे रहे हैं, आपको पेरेंट्स स्कूल का फीस दे रहे हैं, आपको कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं, आपको घर से लात मार के बाहर नहीं निकाल दिया है, राइट? तो घर दे रहे हैं रहने के लिए, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, ये आर्ट का फीस नहीं दे रहे बिकॉज उनको पता नहीं है कि वो आर्ट आपके लिए उतना जरूरी है जितना पानी पीना, खाना खाना, कपड़े पहनना. जिस दिन वो उतना जरूरी आपको खुद के लिए हो जाएगा ना, तो दुनिया में आपको पेरेंट्स छोड़ो हर कोई सपोर्ट करेगा. बट वो उतना पैशनेट होके पहले दिखाओ पेरेंट्स को कि यार मैं आई एम रियली पैशनेट, मैंने ये स्कूल का होमवर्क कर लिया, कॉलेज का होमवर्क कर लिया, आई एम डूइंग गुड इन दैट ऑल्सो, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं आपको ये सारी चीजों में हेल्प भी कर रही हूँ. बट साइमल्टेनियसली 1-2 घंटे बैठो ना यार एक जगह टिक के,
पहले 2 घंटे रोज की बैठ के दिखाओ 2 महीने के लिए पेरेंट्स को, 1 महीने के लिए, 8 दिन तो बैठ के दिखाओ 2 घंटे रोज, ड्राइंग पेंटिंग कुछ तो करो, पर बाकी के काम करके, अगर बाकी की पढ़ाई छोड़ के ड्राइंग करते बैठोगे तो लात पड़ेगी, ओके। बट बाकी सारे काम करके मॉम को हेल्प कर रहे हो, डैड को हेल्प कर रहे हो, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, खेल भी रहे हो और साथ में आप ये आर्ट भी कर रहे हो, राइट? तो 100% पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, उनको दिखाओ पैशनेट कि आप कितने ज्यादा पैशनेट हो, ओके। पापा फीस दे नहीं रहे तो सेम चीज मैं बोलूंगा यार, उनको दिखाओ कि आपको आर्ट कितने पैशनेट हो आप आर्ट के लिए। हमारे बच्चे नहीं बोल रहे यार, ये पेरेंट्स का अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना जरूरी है, समटाइम वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट। मेरा बेटा है अभी 6th स्टैंडर्ड में, सो उसको एक स्पोर्ट्स लगाया मैंने 1st स्टैंडर्ड से, ओके। वो 6 साल से एक ही गेम खेल रहा है एंड बीच बीच में होता है ना, बच्चे हैं छोटे तो वो बोलते हैं कि मुझे क्रिकेट को जाना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे ये गेम्स लगा दो, वो गेम्स खेलना है, मुझे ये नहीं करना है। बट आई वॉज वेरी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा मैं, बट वेरी मच क्लियर कि मेरे बच्चे को ये गेम में डिसाइड किया है तो ये 12 साल 12th स्टैंडर्ड तक ये एक ही गेम का क्लास लगा, तू खेल बाकी के गेम खेल, उसके लिए मैं नहीं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये गेम का तुझे प्रॉपर क्लास लगा के 1 घंटा इसका भी प्रैक्टिस करना है भाई। बाकी तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, जो भी गेम खेलना है वो खेलो, बट ये गेम आपको 12 साल तक खेलना है तो मास्टर ही आएगा, राइट? तो इस तरह से अपने बच्चे के भलाई के लिए आपको थोड़े से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि ये चीज करनी है मतलब करनी है, ओके। तो इस तरह से ईएमआई फीस इतना ज्यादा है नहीं कि हम लोग ईएमआई में करें, बट फिर भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऑप्शन से वेबसाइट के ऊपर ईएमआई के ऑप्शन है बहुत सारे, कुछ डेबिट कार्ड को भी है, कुछ क्रेडिट कार्ड को भी है, ओके। एंड इवन यू कैन अप्लाई फ्रॉम द बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, धनी ऐप है, वो नावी ऐप है, बहुत सारे ऐप्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम और वहाँ से आपको बताएंगे, वहाँ से आप छोटा बड़ा मतलब बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा लोन लेके फिर वो मंथली आप वहाँ पर पे कर सकते हो और फिर भी आपका बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट द टीम। हम लोग भी सिर्फ पैसों के पीछे नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि कैसे हम लोग कर पाएंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। देन मेरा फाइन आर्ट चल रहा है, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, यार प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो खुद को सवाल पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि फाइन आर्ट के सिलेबस में है क्या, कि बच्चों को कैसे सिखाना है, खुद के ड्राइंग क्लास को ग्रो कैसे करना है, पेंटिंग सेल करने का कोई सिलेबस है आपके पास तो वो बता दो, मैं भी सीखना चाहूंगा। सो नहीं है भाई, फाइन आर्ट्स में डिग्री कोर्स में या प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास भी वो नॉलेज नहीं होता बहुत बार, तो लर्निंग एटीट्यूड रखो, मुझे सीखना है, बोलो नई चीजें सीखनी है, आर्ट को एज बिजनेस कन्वर्ट करना है, आर्ट से पैसे कमाने हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाने हैं, तो ये सारे एटीट्यूड्स हैं, इसको थोड़ा दूर रखो, इनसे बच के रहो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड रखो, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ये वेबसाइट है, अगर आप आज भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहो तो फ्यूचर में बस याद रखना हर्ष आर्ट क्रिएशन और मेरा नाम है हरीश दहियंडे, कि आपको किसी ने कुछ अच्छी चीजें बताई थी और उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर्स, ओके, गूगल पे, फोन पे, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है राइट नाउ। वी आर गोइंग टू शिफ्ट सून, हम एक 5-6 महीने के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं, कुछ अच्छे लोकेशन पे जाने वाले हैं, लोकेशन डिसाइडेड नहीं है, वी आर प्लानिंग फॉर द गोवा फर्स्टली, बट जो मेरा बेटा जो बोर्ड में पढ़ता है वो बोर्ड वहाँ पर नहीं है, तो वी आर प्लानिंग सम गुड नेचुरल प्लेस, तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट सून अगले 4-5 महीने में ऑफिस का एड्रेस चेंज हो जाएगा, दैट आई विल डेफिनेटली अपडेट आपको वेबसाइट पर, और मैं सोच रहा हूँ इसी एड्रेस पे भी एक छोटा सा ऑफिस रखूँ यहाँ पर, बट नथिंग इज डिसाइडेड, पर 4-5 महीने में आई एम गोइंग टू रिलोकेट, हो सकता है मैं आपकी सिटी में आ जाऊँ रहने के लिए, सो लेट्स सी, बट ऑनलाइन यूट्यूब वेबसाइट इंस्टाग्राम सब कुछ चालू रहेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, और मैं 100% फिर पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑनलाइन वीडियो फॉर्मेट के कोर्स पर ही फोकस करने वाला हूँ, और आप लोगों के जो हफ्ते में अभी एक दिन लाइव सेशन होता है, हो सकता है मैं हफ्ते में 3-4 दिन करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स एवरीडे इनरोल हो रहे हैं, ओके, सो दैट्स द रीजन कि वी आर रिलोकेटिंग एंड वी आर गोइंग मोर विद द नेचर, या समंदर या पहाड़ों में जाने का मन है, तो लेट्स सी, आई अपडेट यू वेर आई गो, ओके। यू कैन ज्वाइन लाइव वेबिनार थ्रू द वेबसाइट, मैंने आपको बताया वेबसाइट पे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वेबसाइट से कैसे करना है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, contact our team if you are serious and interested to join the course, okay, so this is the number, screenshot le lijiye, is number pe contact kariye, baat kariye executive se, jo bhi problem aapke hai wo solve kar diye jayenge, and best of luck for your future, and you'll get the course at best price, congratulations jinhone enroll kiya hai khud ko, bye for now, see you in the live webinar and in the course live session jo hote hai uske andar milte hai।
थैंक यू सो मच. और जो इनरोल मेंबर है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विथ एवरी ऑल ऑफ यूर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑल, सो एवरी वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ. सी यू इन द लाइव सेशन क्लास, बाय.